या लाइव नाउ गुड मॉर्निंग बच्चा लो गुड मॉर्निंग यस चलो सबको मैं दिखाई दे रही हूँ हाँ मैम दिखाई तो दे ही रहे हो सुनाई दे रही हूँ यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी सो आज का हमारा कौन सा चैप्टर है चलो चलो वी आर लाइव नाउ यस एवरीबडी गुड मॉर्निंग बारिश के वजह से नेट बफर कर रहा था इसलिए दो तीन मिनट लेट हो गया बट नेवरदरलेस वी आर हियर एंड वी विल स्टार्ट विथ योर चैप्टर ये गुड मॉर्निंग एवरीबडी चलो हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरी वन सो लेट मी नॉट वेस्ट योर टाइम फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ मैं क्विकली एक सेकेंड में खाली सेशन को शेयर कर देती हूँ जस्ट गिव मी वन सेकेंड वन सेकेंड ज्वाइन फास्ट वी आर लाइव नाउ चलो शेयर कर दिया है हमने ओके okay, चलो टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है जैसा ने यस बच्चा लो ओके यस चल आ जाएंगे सब लोग फटाफट से यस यस लेट्स स्टार्ट सो देखो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर नाउ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट मैम बिकॉज़ इसमें से आपको सिक्स टू सेवन या सेवन टू सेवन एम सी क्यूज हमेशा बोल सकते हैं कि सिक्स टू सेवन एमसीक्यूज आराम से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछे जाते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीट एज वेल एज फॉर योर सी टी येस एंड आई होप कि आपने हमारे जितने भी प्रीवियस सेशन हुए हैं वो सारे के सारे देखे मैं आपको फटाक से टाइम टेबल बता देती हूँ आज मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर ले रही हूँ कल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर लिया जाएगा और इसका टाइमिंग भी होगा इलेवन ए एम टू वन पी एम ठीक है फिर उसके बाद आपका बायो का चैप्टर नंबर थर्टीन फोर्टीन संडे को मार्क माई वर्ड्स बच्चो संडे को इस कमिंग संडे को हम बायोलॉजी का फर्स्ट मॉक टेस्ट लेंगे जिसमें हम हंड्रेड एमसीक्यूज लेने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट मोस्टली 9 पीएम टू 10 पीएम होगा ठीक है थोड़ा सा रात को होगा ये सेशन दिन भर का पूरा एक्टिविटी खत्म करने के बाद वी विल स्टार्ट दिस सेशन अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए तो वो कहाँ पर आपको अपडेट किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं फिर उसके बाद अपना बायो का चैप्टर टू फिर फिजिक्स फिर वापस बायो तो ये आपका इस वीक का आने वाला टाइम टेबल है थर्टीन जुलाई तक का सब लोग इसका स्क्रीन ले लो फटाफट से ले लिया सबने यस एवरीबडी चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन नाउ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे से सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे सो so, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी है ये कैसे पता चलता है जब उसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है यानी कि फ्लावर एक स्पेशल ऑर्गन है जिसके वजह से हमारा प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो फ्लावर को हम क्या बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फ्लावर को हम क्या बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्योंकि इसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करना क्योंकि क्यों क्यों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके पास एक्सेसरी एंड असेंशियल वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पास एक्सेसरी एंड असेंशियल वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब क्या होता है मैम रिप्रोडक्टिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर वर्ल्ड मतलब क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड दैट इज एंड्रोशियम एंड स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज गाइनोशियम और पिस्टल वी कैन से यस एवरीबडी सो देखो हमारा जब फ्लाव जब हमारा प्लांट है उसमें जब फ्लावर ग्रो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेच्योर फ्लावर मेच्योर फ्लावर के पास अगर वो टिपिकल फ्लावर है या अगर मैं इसको बोलूं कि अगर वो कंप्लीट फ्लावर है तो उसके अंदर हमको दोनों सेक्शुअल ऑर्गन देखने को मिलेंगे दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ये दोनों अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करने के बाद हमको पॉलीशन करने की ज़रूरत पड़ती है पॉलीनेशन करने के लिए भी हमको एजेंट्स की ज़रूरत होती है तो एजेंट्स भी दो टाइप के होते हैं अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स फिर उसके बाद चलो जैसे तैसे हमने पॉलिनेशन कर लिया अब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा फॉर्मेशन होता है अब ये जायोट आगे जाके क्या बनाएगा आपका एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से आगे जाके क्या बनेगी आपकी सीड बनेगी ठीक है ये एम्ब्रियो किधर बनता है ओव्यूल में सो so, ओव्यूल कन्वर्ट्स सीड और ये सब पंचायत किधर हो रही थी ओवरी के अंदर हो रही थी तो ओवरी बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल बन जाता है सीड तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है सीड में प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से मार्क करके लिखें ठीक है और फिर सीड से ही हमको आगे जाके नया प्लांटलेट मिलता है ओके तो अभी हम इंट्रोडक्शन के बारे में अगर देखें तो रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ एंड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज वेल एज़ फॉर वेरिएशन यानी कि समझो जैसे डायनासॉर्स गायब हो गए वैसे अगर हमारे धरती पे से हमारी पृथ्वी पे से प्लांट्स गायब हो गए या ह्यूम्स गायब हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो ठीक उसी तरीके से ठीक uh, उसी लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं असेक्शुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये असेक्शुअल वाला पार्ट आपके पोर्शन में से डिलीटेड है इस साल के लिए यानी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के बच्चों के लिए डिलीटेड नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे ठीक है ये वाले पार्ट को हम स्किप करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट भी डिलीटेड है आपके सिलेबस में से ओके दिस इज ऑल्सो डिलीटेड डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन से ओके okay? कोई भी ऑर्गेनिज्म मेच्योर होने से पहले तीन स्टेजेस दिखाता है मतलब मेच्योरिटी के पहले उसके अंदर हमको तीन स्टेजेस देखने को मिलते हैं कौन से तीन स्टेजेस देखने को मिलते हैं यस एवरीबडी सबसे पहले होता है उसका जुविनाइल फेज जुविनाइल फेज मतलब क्या होता है यंग फेज यानी कि जब वो प्लांट बर्ड प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा क्या प्रोड्यूस कर रहा है बर्ड यानी कि अभी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी तक उस प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं जुविनाइल प्लांट जैसे बच्चे ह्यूमन्स की अगर मैं बात करूं तो जीरो से लेके बारह साल तक के जो बच्चे होते हैं इनको हम जुवेनाइल चाइल्ड बोलते हैं यानी कि यंग बच्चे फिर जब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि अब प्लांट रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी है और फिर जब उसके फ्रूट्स वगैरह सब फॉर्म फॉर्म हो जाते हैं जब लीव्स वगैरह झरने लग जाती हैं तो हम बोलते हैं सेनेसेंस एज यानी कि अब वो एजिंग के फैक्टर में जा चुका है अब वो एजिंग के फैक्टर में जा चुका है ठीक है तो रिप्रोडक्टिव फेज में हमको प्लांट में फ्लावर देखने को मिलता है अब इस फ्लावर के पास क्या होते हैं दो असेंशियल वर्ल्स फ्लावर के पास क्या होते हैं दो असेंशियल वर्ल्स ये वर्लपूल वाला वर्ल नहीं है ये वाला वर्ल आपने फिजिक्स में पढ़ा है इसका मतलब क्या होता है बवंडर आना यानी कि लहरें तैयार होना और इस वर्ल का मतलब क्या होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट इसका मतलब क्या होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट या पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो दो वर्ल्स हमको देखने को मिलते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड्रोशियम इज अवर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड एंड गाइनोशियम इज अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड मैम कैसे याद रख सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है गर्ल्स की स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है गाइनोशियम की स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है सो so, गाइनोशियम इज ऑलवेज फीमेल एंड एंड्रोशियम बहुत सारे एंड्रोशियम जब साथ में रहते हैं तो इसको हम एंडियम बोलते हैं लेकिन एक सिंगल एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं स्टेमन ठीक उसी तरीके से गायनोशियम को हम पिस्टल बोलते हैं क्या बोलते हैं पिस्टल एक सिंगल गाइनोशियम को हम बोलते हैं कार्पल एक सिंगल गायनोशियम को हम क्या बोलते हैं कार्पल यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है यस एवरीबडी यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है यस ओके सो कार्पल के पास तीन ऑर्गन्स होते हैं स्टिग्मा कार्पल के पास तीन ऑर्गन्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी यस yes, मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ा रही हूँ जो जो टॉपिक में से एमसीक्यूज आ सकते हैं मैं वो टॉपिक्स आपको हाईलाइट करके बताने वाली हूँ तो एंड्रोशियम को बोलते हैं स्टेमन गाइनोशियम के पास होता है ओवरी स्टेमन के पास होता है एंथर जिसके अंदर आपका पोलन ग्रेन बनता है और ओवरी के पास होता है ओव्यूल जिसके अंदर आपका एम्ब्रियोसैक बनता है फाइनली पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसैक के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करता है जिसके वजह से हमको जायगोट मिलता है और जायगोट आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है और बाकी का जो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है उससे हमको फूड मिलता है तो ये फूड

फ्लावर बनेगा फ्लावर बनने के बाद उसके अंदर गैमेट बनेंगे और गैमेट बनने के बाद गैमेट को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा यानी कि पॉलिनेशन होगा पॉलिनेशन होने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा जिसके वजह से जायगोर्ड फॉर्मेशन होगा और ये जयगोड फॉर्मेशन आगे जाके एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा जिससे हमको मिलेगी सीड और ये सीड आगे जाके हमको देगा न्यू प्लांट सो दीज आर दी इवेंट्स ऑफ अवर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो किसी भी प्लांट के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता वहाँ पर कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कंपैटिबिलिटी मतलब क्या होता है मैम जैसे कि समझो आपके पास नोकिया का फोन है और आप नोकिया के चार्जर से आईफोन का मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो दैट तो इज तो 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 नॉट पॉसिबल क्योंकि आईफोन मोबाइल का चार्जिंग स्लॉट अलग होता है या आईफोन छोड़ दो आईफोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फोन हो गया सबके पास अवेलेबल नहीं होता एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ अगर आप अपने घर की चाही समझो तो आपके पास साइकिल है और आपने अपने घर पे भी ताला लगा के रखा है तो ताले की चाबी अलग है और साइकिल की चाबी अलग है साइकिल की चाबी से घर का ताला खोलोगे तो खुलेगा क्या नहीं खुलेगा क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग है इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग यानी कि कौन सा पर्टिकुलर स्पीशीज कौन से स्पीशीज के साथ फर्टिलाइज होगा सो so अगर आपके गैमेट या सेक्स सेल्स कंपेटेबल हैं तो ही वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे यस। yes? तो so देखो यहाँ पर हमको बताया है एक टिपिकल फ्लावर के पास चार फ्लोरल वर्ल्ड होते हैं कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कैलिक्स मतलब क्या होता है बेटा कैलिक्स यानी कि अपना टेपल.

फोर हेप्लॉइड सेल्स देता है सो दिस इज मियोसिस, ओके यानी एक सेल से आपको चार सेल मिलेंगे और माइटोसिस में क्या होता है माइटोसिस में आपको एक सेल से दो सेल मिलते हैं और ये दोनों सेल डिप्लॉइड होते हैं मतलब अगर ये पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो ये दोनों सेल भी डिप्लॉयड होंगे लेकिन मियोसिस में पेरेंट सेल डिप्लॉयड होता है बट डॉटर सेल्स एप्लॉइड होते हैं ठीक है किसी का सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट अगर हिला हुआ है तो वो मेरा सेल डिवीजन वाला चैप्टर देख सकते हैं आप सर्च करो सेल डिवीजन बाय अंजलि मैम या बाय ज्ञान लैब तो आपको पांच वीडियोस मिलेंगी और आपका सेल डिवीजन का चैप्टर फॉर के लिए आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है ओके okay. सो so, अभी आपको कभी कभी फ्लावर का स्ट्रक्चर देके इसको लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ दिस इज योर स्टिग्मा देन देन दिस 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 इज 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 योर 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 स्टाइल ओव्यूल एंड ओवरी ये दोनों एरो सेम जगह पे है बट इधर पे आपको इमेजिन करना है कि ये एरो आपके ओवरी के साथ है ठीक है देन दिस इज योर सेपल सेपल को हम बोलते हैं कैलिक्स एंड दिस इज योर कोरोला कोरोला को हम बोलते हैं पेटल जो कि अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का दिस इज योर फिल्मेंट एंड दिस इज योर एंथर एंथर में आपके पोलनग्रेन फॉर्म होंगे ठीक है टिप्लॉइड स्पोरोफाइड क्या होता है स्पोरोफाइट यानी कि यंग सेल यानी की जिसने अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है डिफ्रेंसीशन मतलब क्या होता है समझो दसवीं तक आप लोग सब फ्रेंड्स एक साथ पढ़ते थे ठीक है आप सबके सेम सब्जेक्ट थे हिस्ट्री जोग्राफी इंग्लिश हिंदी मराठी साइंस मैथ्स सब सेम था लेकिन दसवीं के बाद कुछ बच्चे साइंस ले लेते हैं कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं कुछ बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कुछ बच्चे आई टी आई करते कुछ बच्चे आर्ट्स में चले जाते हैं यानी कि आप लोग अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हो तो उसको बोलते हैं डिफ्रेंसीशन लेकिन अगर स्पोरोफाइट बोला गया है तो यानी कि ये आपका डिप्लॉइड सेल है ये अभी डिफ्रेंसियेशन नहीं किया है इसने जब ये डिफरेंसिएशन करेगा तो मियोसिस होगा और मियोसिस के वजह से आपको मियोसिसप्लोइ सेल मिलेंगे यानी कि गेमेटोफाइट्स मिल जाएंगे तो स्पोरोफाइट से हमको क्या मिलता है गेमेटोफाइट ठीक है ओके okay, तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने जा रहे हैं यस ओके सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इमेच्योर एंथर होता है प्लीज सब लोग इस साइकिल को फॉलो करो हमारे पास समझो कि कोई एक इमेच्योर एंथर है तो इस एंथर के पास इनिशियली बाहर सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी और अंदर इसके पास जो सेल्स होंगे वो होते हैं यंग सेल्स जिनको हम बोलते हैं पेरन कायमा टिश्यू या हाइपोडर्मल सेल्स ये ग्रीन कलर के जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं पेरन कायमा सेल्स या इनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स इज दिस क्लियर एवरीबडी ओके हाइपोडर्मल सेल्स फिर जब ये मेच्योरिटी दिखाएंगे जब ये मेच्योर होंगे ठीक है तो ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं ये डिफ्रेंसीशन करते हैं क्या करते हैं ये डिफ्रेंसीशन करते हैं और डिफ्रेंसीशन करके ये दो सेल लेयर बनाते हैं कौन सी दो सेल लेयर बनाते हैं है, मैम एक होती है पराइटल सेल लेयर और एक होती है पराइटल सेल लेयर और दूसरी होती है स्पोरोजिनस सेल लेयर कौन सी होती है स्पोरोजीनस सेल लेयर ठीक है तो ये जो पराइटल सेल लेयर है ये पराइटल सेल लेयर आगे जाके ये देखो ये आपका आरके ये अपना पराइटल टिश्यू है मतलब जब ये डिफरेंसिएशन करते हैं ना तो डिफरेंसिएशन करके ये स्पोरियल सेल्स बनाते हैं स्पोरियल सेल्स आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एक पराइटल सेल लेयर एक स्पोरोजिनस सेल लेयर तो पराइटल सेल लेयर में कौन से कौन से लेयर्स आते हैं एंडोथीशियम मिडल लेयर एंड टेपटम और स्पोरोजिनस सेल लेयर से आगे बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है आपका पोलन मदर सेल यानी कि जिसको हम बोलते हैं माइक्रो सेल इसी को हम क्या बोलते हैं है और हमको एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से ऐसे ये देखो ये एपिडर्मिस तो पहले से प्रेजेंट थी ना हमारे एंथर के पास ये जो रेड वाली लेयर है ये एपिडर्मिस है ये तो पहले से प्रेजेंट होती है लेकिन इसके अलावा जो तीन और एक्स्ट्रा लेयर बनती है ये एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट है इसके अलावा एंडोथीशियम मिडल

मिडल लेयर का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना यानी कि एंथर को पकड़ के रखना मिडल so लेयर का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट और टेपटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ये सबसे अंदर की लेयर होती है टेपटम से चिपक के आपके स्पोरोजिनस के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं मतलब समझो ऐसी अपनी टेपटम वाली लेयर है और इसके अंदर आपके स्पोरोजीनस के सेल्स है ऐसे ये ऑरेंज कलर के अपने स्पोरोजीनस टिश्यू है इधर ऊपर देखो ये अपने टिश्यू है तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है टेप्ट से ये चारों ऑप्शन देते हैं और आपको ऑड वन आउट पूछ सकते हैं सो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से नोट करके रखो इज दिस पॉइंट क्लियर इसवरीबडी ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो देखो आपका जो एंथर है एंथर के अंदर टेप्टम है टेप्टम से क्या मिल रहा है हमारे पोलन ग्रेन्स को बेटा न्यूट्रिशन मिल रहा है ठीक है टेप्टम से हमको क्या मिल रहा है न्यूट्रिशन मिल रहा है न्यूट्रिशन मिलके हमारे एंथर क्या करते हैं दे अंडर गो डिफ्रेंसिएशन ठीक है तो ये जो अपना माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉइड होता है ये देखो एक माइक्रोस्पोरोफाइट मैंने निकाला ये माइक्रोस्पोरोप्लॉयड है इसके अंदर आपका मियोसिस होगा तो मियोसिस की वजह से आपको क्या मिलेंगे टेट्राड माइक्रोस्पोर्स क्या मिलेंगे टेट्राड माइक्रोस्पोर्स अब ये जो एक सिंगल माइक्रोस्पोर है इसको ही मैं बोलती हूँ पोलन ग्रेन इसको ही क्या बोलती हूँ पोलन ग्रेन तो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द होमोलोगस स्ट्रक्चर टू पोलन ग्रेन एमसीक्यू कैसा आएगा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ सो होमोलोग स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इज पोलन ग्रेन से कौन सा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है तो so, उधर पे माइक्रोस्पोर भी ऑप्शन में दिया होगा सो पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोलते हैं इसके अंदर आगे जाके आपका गैमेट बनेगा तो जिसके अंदर अपना गैमेट बनता है उसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट उसको हम क्या बोलते हैं बेटा गेमेटोफाइट तो पोलन ग्रेन के अंदर अपना मेल गैमेट्स बनने वाला है ये देखो पोलन ग्रेन के अंदर अपना मेल गैमेट बनने वाला है इसीलिए पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है और यही चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है तो मेक श्योर कि आप इसको अंडरलाइन करके रखें पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं मेल गमेटोफाइट क्योंकि उसी के अंदर गैमेट्स बनते हैं अब इधर पे आपके बोर्ड्स का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन था ठीक है कि आपके मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितना डिवीजन होता है तो देखो इधर पे एक मियोसिस हुआ आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें आपने मियोसिस किया तो मियोसिस करके आपको टेट्राइड पोलन ग्रेन मिले आपको चार हेप्लॉयड पोलन ग्रेन मिले अब इसमें से एक पोलन ग्रेन के अंदर एक पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो मेल गैमेट्स बनाने हैं तो आप इसमें फर्स्ट माइटोसिस करोगे फर्स्ट माइटोसिस के वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा आपको वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल देखने को मिलता है वेजिटेटिव सेल सिर्फ फूड प्रोवाइड करता है बट जनरेटिव सेल से आगे जाके गैमेट्स बनते हैं कैसे याद रहेगा मैम हमको याद ही नहीं रहता तो जी फॉर जनरेटिव सेल जी फॉर गैमेट ऐसे आप याद रख सकते हो तो वेजिटेटिव सेल सिर्फ फूड प्रोवाइड करता है जनरेटिव सेल में जब सेकेंड माइटोसिस होता है तो आपके दो गैमेट्स बनते हैं अब इधर पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली क्या क्या चीजें हैं सबसे पहली बात फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो तो आपको आपको मिला मिला जब जब में में होगा होगा दो मेल गैमेट्स मिलेंगे क्या मिलेंगे आपको दो मेल गैमेट्स लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होती है क्या कंडीशन होती है देखो यहां तक आपका ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ तक आपका ये जो पोलन ग्रेन है ये टू सेल्ड स्टेज में है कैसे टू सेल्ड स्टेज में है मैम क्योंकि इसके अंदर से वेजिटेटिव सेल वाला पार्ट है और ये ब्लैक वाला जनरेटिव सेल वाला पार्ट है तो दो ही सेल्स है इसके अंदर अभी तक तो गैमेट नहीं बना है तो 70% परसेंट एनजीओ स्म्स क्या बोला मैंने 70% परसेंट प्लांट जो होते हैं 70% परसेंट एनजीओ स्म्स जो होते हैं वो टू सेल्ड स्टेज में ही अपने एंथर से बाहर निकल जाते हैं और फिर बाहर आने के बाद जब वो स्टिग्मा के ऊपर ऐसे बैठते हैं तो अपना मेल गैमेट बनाते हैं मतलब पोलन ट्यूब डेवलप करते करते फिर मेल गैमेट बनाते हैं तो सेवेंटी परसेंट एनजी ओज टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं और थर्टी परसेंट एनजी ओज थ्री सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है प्लीज़ इसको अंडरलाइन करके रखो मैं रिपीट नहीं करूंगी आप वीडियो को फिर से पीछे जाके देख सकते हो ठीक है सो दिस इज हाउ मेल गैमेट के को तो उसके पास दो ले इसीलिए उसको बोलते हैं डायथेकस और उसके पास दो लोब्स होते हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं बायोलोब्ड इसको क्या बोलते हैं बायोलोब्ड ये एक लेयर है ये दूसरी लेयर है तो इसको बोलेंगे डायथेकस इसको क्या बोलेंगे हम डायथेकस ठीक है डायथेकस और इसके पास दो लोब्स है तो इसको बायलोब्ड भी हम बोलते हैं अब इसके पास चेंबर्स कितने होते हैं ये देखो ये एक पोलन चेंबर ये दूसरा पोलन चेंबर ये तीसरा पोलन चेंबर ये चौथा पोलन चेंबर तो इसी को हम फोरेंजिएट भी बोलते हैं और इसी को हम चेंबर भी बोलते हैं ठीक है और इसी को हम सैक भी बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं सैक भी बोलते हैं तो so, इनके पास चार पोलन सैक होते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं चार है ना एक दो तीन चार इसको हम क्या बोलते हैं टेट्रास्पोरजिएट क्योंकि इसके अंदर ही आपके मेल गैमेट्स बनते हैं बाकी का आगे का थ्योरी हमने पढ़ लिया कि कैसे आपका पैरन कायमा टिश्यू जो है यह आर्केस्पोरियल सेल बनाता है आर्केस्पोरियल सेल से दो सेल लेयर निकलती है पराइटल सेल लेयर फोरोजिनस सेल लेयर पराइटल सेल लेयर से आपका एंडोथीशियम Uh, और क्या बोला आपका मिडल लेयर्स और आपका टेपटम प्रेजेंट होता है और स्पोरोजिनस सेल लेयर से स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाता है तो ये हमने पूरा देख लिया अब इधर पे और एक क्वेश्चन याद रखो एंडोथीशियम डेहिसेंस करता है टेपटम न्यूट्रिशन करता है एंथर के पास कितनी मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती है वन टू टू मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती है इसका नंबर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कभी कभी नंबर पूछा जाता है एमसीक्यू में चलो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी यस चलो 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 फटाफट से बता दो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन ओके अब आगे बढ़ते हैं ओके okay. चलो इसका आंसर दो मुझे फटाफट यस yes. इसका जल्दी जल्दी आंसर दो एंडोथीशियम लेयर इज प्रेजेंट एंडोथीशियम लेयर किधर प्रेजेंट है सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है और एपिडर्मिस के नीचे आपका एंडोथीशियम प्रेजेंट होता है सो so, एंडोथीशियम किधर प्रेजेंट है करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी ओके okay, चलो वेरी गुड नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ सैक इज अपने के अंदर की लेयर का फंक्शन क्या है व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर का फंक्शन चलो टेल मी फास्ट यस बताओ इट इज न्यूट्रिटिव इन नेचर ठीक है चलो वेरी गुड अब हम बात करते हैं सिंगल पोलन ग्रेन के बारे में किसके बारे में बात करेंगे एक सिंगल पोलन ग्रेन या इसी को आप क्या बोल सकते हो माइक्रोस्पोर या इसी को आप क्या बोल सकते हो मेल गेमेटोफाइट ये सारे एक ही चीज है ये सारी क्या है ये सारी एक ही चीज है एग्जाम में अगर कुछ भी आया तो कंफ्यूज मत होना ठीक है ये पोलन ग्रेन है इसी को माइक्रोस्पोर बोलते हैं और इसी को मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं तो हमारा जो पोलन ग्रेन है कैसा दिखाई दे रहा है आपको ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है या बोल सकते हैं हम कि ये स्पिरिकल है यानी कि राउंड शेप है स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ना इट इज स्पेरिकल इन नेचर इसके पास एक ही न्यूक्लियस है ये देखो एक ही न्यूक्लियस है तो इसको बोलेंगे यूनि न्यूक्लियट ठीक है और ये न्यूक्लियस कैसा है हैप्लॉइड है क्योंकि मिओसिस होने के बाद आपको चार पोलन ग्रेन्स मिले हैं सो इट इज हेप्लॉइड फिरकल शेप है यूनि न्यूक्लियट है हेप्लॉइड है और इसके पास स्पोरोडर्म प्रेजेंट है यानी कि दो लेयर्स प्रेजेंट है तो ये हमारे पोलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है ओके सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पोरोडर्म यानी कि इसके लेयर के बारे में ये देखो न्यूक्लियस के पास तो डी एन है इसके पास ना दो लेयर्स होती है स्पोरोडर्म यानी एक आउटर लेयर होती है एक इनर लेयर होती है इनर लेयर बहुत ही सिंपल है इनर लेयर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ईजिली ब्रेक हो जाती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोर्स और पेक्टिन से ठीक है अब बात करते हैं एग्जाइन की आउटर लेयर की तो इसमें से आपको कोई भी पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अब इसमें से क्या एमसीक्यू आने के चांसेस है मैम आई एल टेल यू सबसे पहली बात तो एग्जाइन आउटर लेयर है ये किससे बनी है ये फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हो सकता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पोरोपोलनिन से बनी है यानी कि इसी के इसके ऊपर किसी केमिकल या किसी एंजाइम का असर नहीं होता है और ये आउटर लेयर जो है ये स्कल्पचर्ड भी हो सकती है ऐसी आड़ी टेड़ी या फिर ये स्मूथ भी हो सकती है सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज कि ये एग्जाइन कैसी

ग्रेन में एक डायकॉट पोलन ग्रेन में कितने जर्म पोर्स होते हैं वो याद रखना है ठीक है एक इसीलिए क्वेश्चन आता है तो इसका स्क्रीन लेके रखो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब मेल गैमेट कैसे बनता है ये देखो ये आपका पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन के पास दो सेल होते हैं मतलब फर्स्ट माइटोसिस कर रहा है ये क्या कर रहा है फर्स्ट माइटोसिस कर रहा है इसने दो सेल्स बनाए एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल का काम है सिर्फ फूड प्रोवाइड करना जनरेटिव सेल का काम है आगे जाके गैमेट्स बनाना तो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल का पूरा खाना खा लेता है और फिर आगे जाके ये टू सेकेंड माइटोसिस दिखाता है लेकिन सेकेंड माइटोसिस के दो ऑप्शन है ये या तो एंथर के अंदर हो सकते हैं और या तो के बाहर हो सकता है ये जो सेकंड माइटोसिस है ये एंथर के अंदर होगा या तो एंथर के बाहर होगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा सेवेंटी परसेंट एनजीओ स्पर्म्स ये टू सेल्ड स्टेज में ही रिलीज हो जाते हैं मतलब एंथर के अंदर इनका ये टू सेल्ड स्टेज का डिवीजन होता है और फिर ये ऐसे ही बाहर आ जाते हैं पोलन ग्रेन ठीक है तो टू स्टेज टू स्टेज स्टेज एंथर आपके में से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं ठीक है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये मेल गैमेट बाहर जाने के बाद फॉर्म होंगे लेकिन थर्टी परसेंट होते हैं कि मेल गैमेट एंथर के अंदर ही बन जाएंगे तो एंथर के, के अंदर कैसे बनेंगे जनरेटिव सेल से करेगा दो मेल गैमेट्स बनाएगा ओके So okay? मतलब ज एक, एक किया है तो आपका वो इंटरनेट पैकेज चौबीस घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा इसको बोलते हैं वायबिलिटी यानी की वैलिडिटी तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो पोलन ग्रेन है हमारे पोलन ग्रेन हमारे पोलन ग्रेन की भी एक फिक्स वायबिलिटी होती है यानी वो कब तक वैलिड है कब तक वो जर्मिनेट कर सकता है ठीक है ओके डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट मेल गेमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन मैं बार बार बोल रही हूँ मेल गेमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर तीनों का स्ट्रक्चर एक ही है तीनों का मीनिंग एक ही है ओके ऑल राइट तो ईच पोलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक बताओ फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा एक पोलन ग्रेन कैसा होता है यूनि होता है करेक्ट पोलन ग्रेन मल्टी सेलर नहीं होता तो सी और डी पहले ही कट हो गया इट इज बाय न्यूक्लियर यूनि न्यूक्लियट आपको पोलन ग्रेन के अंदर कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं पोलन ग्रेन बोला है ना तो एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं आएगा तो क्या बचा? 20 okay. आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है ठीक है ये कितने मेल गैमेट्स बना रहा है दो मेल गैमेट बना रहा है तो आपके पास सॉरी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पोलन ग्रेन बनता है और चार पोलन ग्रेन में आठ मेल गैमेट्स बनेंगे क्योंकि एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स बनते हैं ओके तो आपके पास ट्वेंटी मदर सेल है तो इससे आपके एट्टी पोलन ग्रेन बनेंगे और फोर टूजा एट यानी एट टूजा वन सिक्सटी तो कितने मेल गैमेट्स बनेंगे एट्टी मेल गैमेट्स बनेंगे ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिटेल में सॉल्व करा चुकी हूँ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ तो मियोसिस करके हमको चार पोलन ग्रेन मिले फिर इसमें माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस करके आठ मेल गैमेट्स मिले यानी इसका डबल तो ट्वेंटी से एट्टी पोलन ग्रेन्स मिलेंगे करेक्ट क्योंकि वन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो टू को भी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्टी पोलन ग्रेन्स मिले फिर इसका डबल वन एट्टी मेल गैमेट्स तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आया सीई एग्जाम में तो आपकी धजिया उड़ जाती है देखो कितने सारे बच्चे इधर पे गलत आंसर दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको अगर इधर पूछा होता कि मेल गैमेटो कितने बन रहे हैं तो आप आंसर लिखते एटी क्योंकि पोलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं मेल गमैटो लेकिन आपको गमेटो नहीं पूछा है बेटा आपको गैमेट्स पूछा है क्या पूछा है आपको गैमेट्स पूछा है यस एवरीबडी ठीक है ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के बारे में हमको क्या बोला है? गाइनोशियम को ही हम पिस्टिल बोलते हैं, एक सिंगल गाइनोशियम को कार्पल को हम बोलते हैं मेगा और मेगा के पास ये जो ओवरी होती है ये ओवरी के अंदर आपका क्या होता है ओव्यूल होता है तो ओव्यूल के अंदर आपका क्या बनेगा एम्ब्रियो सैक बनेगा और इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गाइट इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं फीमेल गमैटो फाइट इज दिस क्लियर टू एवरी वन ओके तो अब आगे देखो क्या बताया गया आपको कि कभी कभी किसी किसी फ्लावर में बहुत सारी ओवरी और फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पल इज कॉल्ड एज अपो कार्पल यानी की ऐसा फ्री ओवरी देखने को मिलेगा ऐसे फ्री कार्पल्स देखने को मिलेंगे आपका ये एक ओवरी ये दूसरा ओवरी ये तीसरा ओवरी ऐसे फ्यूज नहीं रहेंगे चिपके हुए नहीं रहेंगे एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे लेकिन कई बार जब आपकी सारी की सारी ओवरी एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है ये ऐसा फ्यूज ओवरी देखने को मिलता है ठीक है ऐसे पूरा ओवरी एक दूसरे से चिपका हुआ है सिर्फ इसका ऊपर का स्टिग्मा वाला रीजन अलग है तो इसको बोलेंगे सिन कार्पस क्योंकि सिन का मतलब होता है चिपका हुआ सिन का मतलब क्या होता है चिपका हुआ ओके मेचोर फ्लावर की बात करें तो यह आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है स्टाइल स्टिग्मा ओवरी ओके okay? और ओवरी के अंदर हमको ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं अभी इधर देखो यहाँ पे एक ओव्यूल नहीं है ये एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ये छह ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स हैं तो ऐसी ओवरी को हम क्या बोलते हैं मल्टी ओव्यूलेट जो आपको किस में देखने को मिलता है बैगन यानी ब्रिंजल में भिंडी में लेडीज फिंगर में टोमेटो में तो मल्टी ओवरी हमको ये सारे अलग अलग वेजिटेबल्स में देखने को मिलती है और यूनिओव्यूलेट ओवरी मतलब क्या होता है जिसके ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है जैसे कि आपका चावल गेहूँ आम यानी राइस मैंगो वीट इस इसको हम बोलेंगे यूनिओवेट इसको हम क्या बोलेंगे यूनिओव्यूलेट ये देखो यूनिओवेट एंड मल्टीओवेलेट तो आपका जो चावल राइस को पैडी बोलते हैं तो चावल गेहूं मैंगो ये यूनीव्यूलेट है टोमेटो ब्रिंजर लेडी फिंगर ये मल्टीओवेट है आई होप ये सब क्लियर है क्योंकि ये सब मैंने आपको डिटेल वाले लेक्चर में पहले से कराया है बहुत सारी बार बच्चों को पेरियां का मतलब नहीं होता है पेरियां यानी कि एक्सेसरी वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर पेरियां मतलब क्या होता है एक्सेसरी वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर यानी कि कोरोला और कैलिक्स कोरोला का फंक्शन क्या है ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करेगा डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है कलरफुल होता है तो इससे हम बहुत सारे होली के कलर्स बनाते हैं डाई बनाते हैं सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला और कैलिक्स कैलिक्स यानी सेपल। सेपल का फंक्शन क्या होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये अर्ली स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस करता है जब आपका फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है ठीक है ओके okay, तो अभी हम एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना जा रहे हैं यानी कि हमारे फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है ये देखो अपना ये फ्लावर है इधर पे अटेंशन ये अपना फ्लावर है ठीक है इस फ्लावर के अंदर ये जो ओव्यूल है तो ये ओव्यूल का पोजीशन कैसे होता है अलग अलग डायरेक्शन में इसका पोजिशन होता है ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस एम्फीड्रोपस कैसे डिसाइड करते हैं हम हमारा जो ये सैक है ये सैक किधर रहेगा अगर ये माइक्रोपाइल के पास रहेगा मतलब माइक्रोपाइल अगर नीचे के डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे एनाट्रोपस अगर माइक्रोपाइल ऊपर के डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमको दिखाए गए इसमें से हम ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ने वाले जिसमें आपका माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है फ्यूनिकल के बाजू में यानी कि यहाँ पे आपका फ्यूनिकल प्रेजेंट रहता है ठीक है तो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों बाजू बाजू में प्रेजेंट रहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल ठीक है ओके अब इधर पे देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें बताई गई है क्या बताई गई है आई एल यू सबसे पहली बात कि आपका ये जो ओव्यूल है ये देखो ये जो अपना ओव्यूल है ये अपने बीच का टिश्यू ये जो बीच का आपको ग्रीन कलर का टिश्यू दिखाई दे रहा है ये वाला जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ इसको बोलते हैं प्लेसेंटा इसको हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा ठीक है तो ये हमारा प्लेसेंटा है और इधर से आपका ऐसा ओव्यूल निकल रहा है ठीक है ये हमारा ऐसा प्लेसेंटा और इधर से अपना ठी, दिस इज प्लेसेंटा सेंटर वाला और ये अपना ओव्यूल है तो प्लेसेंटा को प्लेसेंटा से ओव्यूल को डायरेक्ट खाना मिलता है ये अपना प्लेसेंटा है और ये अपना ओव्यूल है ठीक है लेकिन दोनों के बीच में जो एक कनेक्टिंग स्टॉक है इसको कनेक्टिंग स्टॉक बोलते है, इसको बोलते हैं हैं इसको इसको क्या बोलते हैं जो देखो इधर पे क्लियरली बताया गया आपको तो ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच के कनेक्टिंग स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस और जहां पे ये कनेक्ट होता है मतलब ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे ये यह अटैच हो रहा है यहाँ पे इस point of attachment को बोलेंगे हीलम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, और इस को बोलेंगे फ्यूनिकल इस स्टॉक को क्या बोलेंगे फ्यूनिकल अब ओव्यूल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देख लेते हैं हम तो हमारा जब ओव्यूल मेचोर हो जाता है देखो स्टार्टिंग में कैसा होता है पता है आपका ये ओव्यूल एंथर के जैसे अनडेवलप्ड रहता है मतलब स्टार्टिंग में ओव्यूल ऐसा होता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ पैरन कायमा टिश्यू होता है सिर्फ और सिर्फ पैरन कायमा टिश्यू होता है और ये भी कैसा होता है डिप्लॉयड होता है फिर इसमें डिफ्रेंसियशन होगा फिर आर्किसपोरियल सेल्स बनेंगे और आर्किसपोरियल सेल्स क्या करते हैं ये आगे जाके न्यूसेलस बनाते हैं क्या बनाते हैं ये न्यूसेलस बनाते हैं और न्यूसेलस के पास सब डिप्लॉयड सेल्स है तो इसमें से कुछ सेंटर में जो डिप्लॉयड सेल्स रह जाते हैं मतलब समझो कि यहाँ पे ऐसे बीच में कुछ डिप्लॉयड सेल्स बने तो इसमें से बाकी के डिप्लॉयड सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे कोई एक डिप्लोइड सेल ही मेगास्पोर मदर सेल बनेगा और इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस की वजह से आपको सैक का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन और बाजू बाजू में बाकी के जो भी लेयर्स हैं यहाँ पे आपका एंटीग्यूमेंट्स बन जाएगा और बाकी का बचा जो सेल्स है ये बाकी वाला बचा वाला पार्ट ये बन जाएगा आपका न्यूसेलस ये क्या रह जाएगा आपका न्यूसेलस तो न्यूसेलस इज ऑलवेज डिप्लॉयड इंटीग्यूमेंट्स ये जो आउटर और इनर लेयर होती है ये देखो ये जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ये भी आपकी डिप्लॉयड होती है चलो इधर तक सबको समझ में आ रहा है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन एज शॉर्ट एज पॉसिबल येस एवरीबडी ओके ऑल राइट तो इधर पे देखो हमने हर एक लेयर का फंक्शन देख लिया एनाट्रोपस यानी कि उल्टा प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स देता है प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने का, का काम फ्यूलिकुलस करता है विद द हेल्प ऑफ हीलम ओके इंटीग्यूमेंट्स आउटर इंटीग्यूमेंट का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इनर इंटीग्यूमेंट सेंसिटिव होता है ठीक है आउटर इंटीग्यूमेंट आगे जाके बनाएगा टेस्टा यानी कि सीड का आउटर लेयर सीड का आउटर लेयर और इनर इंटीग्यूमेंट आगे जाके बनाएगा ये जा okay? देखो टेगमेन की स्पेलिंग में एन आता है और इनर की स्पेलिंग में एन आता है टेस्टा में कहीं पर भी एन नहीं है और आउटर लेयर में भी कहीं पर भी एन नहीं है तो आप ऐसे अल्फाबेट मैच करके याद रख सकते हो ठीक है ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होती है यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है अब इसमें से आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है कि मेगा स्पोर मदर सेल्स बिकम डिस्टिंग्विश्ड इन द न्यूसिलस यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल से फीमेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए कितना सेल डिवीजन होता है या आपका मेगा मदर सेल है या आपका फीमेल गेमेटोफाइट है बार बार बोल रही हूं मैं फीमेल गमेटो फाइट यानी जिसके अंदर आपका गैमेट बनेगा दिस इज अवर फीमेल गमेटो फाइट जिसको हम बोलते हैं मेच्योर सैक क्योंकि इसी के अंदर अपना फीमेल गैमेट बन रहा है ओके तो मेगा स्पोर मदर सेल बना से फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितना सेल डिवीजन करना पड़ता है यह आपका फर्स्ट मियोसिस है ठीक है फर्स्ट मियोसिस में चार सेल्स बनते हैं लेकिन इसके नीचे के तीन सेल्स डी हो जाते हैं या ऊपर के तीन सेल्स डी हो जाते हैं एक सेल बचता है ये जो एक सेल बचा है ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल आगे जाके मेच्योर होता है इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर इसको हम क्या बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर तो आपको एमसीक्यू में आता है कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल जब फर्स्ट मियोसिस करता है तो फर्स्ट मियोसिस के बाद कितने फंक्शनल मेगास्पोर बचते हैं तो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है यही फंक्शनल मेगास्पोर अब ग्रो होगा डेवलपमेंट दिखाएगा और आगे जाके माइटोसिस करेगा तो एक मियोसिस प्लस थ्री माइटोसिस करने के बाद हमको मिलता है हमारा एम्ब्रियो सैक क्या मिलता है हमको हमारा एम्ब्रियो सैक तो फर्स्ट माइटोसिस और ये माइटोसिस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यानी सिर्फ न्यूक्लियस का माइटोसिस हो रहा है ये फर्स्ट माइटोसिस ये सेकंड माइटोसिस ये थर्ड माइटोसिस यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा ऊपर चार सेल्स मिलेंगे ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है ऊपर चार सेल्स मिलते हैं नीचे चार सेल्स मिलते हैं इसमें से ये जो दो पोलार न्यूक्लिया होते हैं ये सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं ठीक है इसको हम बोलते हैं अपना आ, क्या बोलेंगे इसको हम अवर लास्ट स्टेज ऑफ मेगास्पोर मदर सेल यानी कि फीमेल गमेटोफाइड बनने के जस्ट पहले का स्टेज ओके जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा तो हमारे ये जो पोलार न्यूक्लिया हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं ये पोलार न्यूक्लिया क्या हो जाते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं देखो ये भी हैप्लॉयड है ये भी है ये भी हैप्लॉयड है लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पोलार न्यूक्लिया आपका फ्यूज हो गया तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड्री न्यूक्लिया इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लिया यानी कि इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये सब अभी भी हैप्लॉयड है लेकिन इस ये डिप्लॉयड हो गया है तो हमको क्या दिखाई दे रहा है इधर पे तीन सेल्स हैं इधर पे तीन सेल है और इधर पे सिर्फ एक ही सेल है क्योंकि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है ना एक जिसमें दो जान ऐसा हो गया है तो ये हो गया सेवन सेल्ड लेकिन न्यूक्लियस कितना है इधर पे तीन न्यूक्लियस है इधर पे दो न्यूक्लियस है इधर पे तीन न्यूक्लियस है तो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम ये देखो दिस शोज अवर सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिक्यू ये सबको क्लियर है अब हर एक सेल की बात कर लेते हैं ठीक है, है ये जो एंटीपोडाल सेल्स है ये सीड डेवलपमेंट के टाइम पे यूज हो जाते हैं ये जो साइड साइड के दो सिनर्जेट्स हैं इनके पास ना ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या बोलते हैं इसको हम फिलीफॉर्म अपैरेटस ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है ये पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है यानी कि ये केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसके वजह से पोलन ट्यूब अट्रैक्ट हो जाती है पोलन ट्यूब क्या हो जाती है अट्रैक्ट हो जाती है और बीच में आपका क्या प्रेजेंट है एग सेल जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट जिसके साथ आपका मेल गैमेट फ्यूज़ करके जायगोर्ड बनाएगा क्या बनाएगा जायगोर्ड बनाएगा और यही जायगोर्ड आगे जाके सीड बनेगी और ये बीच में जो अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा यानी कि अपने सीड का खाना क्या बनाएगा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि अपने सीड का खाना इज दिस क्लियर एवरीबडी चलो वॉइस में वेव क्यों आ रहा है एक सेकेंड रुको एक सेकेंड हाँ एक सेकेंड हेलो 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 अभी वॉइस बराबर है हेलो 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 अभी वॉइस ठीक है ठीक है चलो ओके ओके यस सो इधर पे अभी हमको एमसीक्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है कि सीड बनाने के लिए कितना सेल डिवीजन हुआ यानी सैक सीड नहीं सॉरी सैक बनाने के लिए कितना सेल डिवीजन हुआ तो एक मियोसिस और तीन माइटोसिस एक मियोसिस प्लस थ्री माइटोसिस करके हमको एम्ब्रियो सैक देखने को मिला एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट के अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शन हमने देख लिया ठीक है ओके इधर देखो ये लास्ट में जो आपका दो सीनरजिट्स ये जो दो सीनरजिट हैं प्लस ये एग सेल है इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं एग अपैरेटस इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं एग अपैरेटस क्या बोलते हैं इन दोनों को मिला के एग अपैरेटस इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी ओके ओके okay, हाँ अब आगे देखो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या बताया गया है अब आ, हाँ ये लास्ट पॉइंट हमारा जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये एक ही सेल है और इसी से हमको हमारा एम्ब्रियो सैक मिला है यानी एक स्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ तो इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्योंकि एक ही स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है और ये सब कुछ ये जो जितने भी अपने एंटीपोटाल सेल्स है सिनरजिड है एग एगपैरिटस है सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये सब कुछ एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है तो इसको बोलेंगे एंडोस्पोरिक मोनोस्पोरिक क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल से हुआ एंडोस्पोरिक क्योंकि सब कुछ एम्ब्रियो सैक के अंदर हुआ और ये कैसा होता है कलरलेस होता है एंड इट इज एनक्लोज बाय ओवरी यानी कि ये जो अपना एम्ब्रियो सैक है ये ओवरी के अंदर बंद है ठीक है चलो सो अब मुझे फटाफट -फड़ से इसका आंसर बता दो आपके पास फोर्टी मेगास्पोर मदर सेल है इससे कितने फीमेल गमैटो बनेंगे ओके एक मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ तो आपको चार देखने मिलते हैं लेकिन इसमें से तीन डी जनरेट हो जाता है और सिर्फ एक ही मेच्योर होता है और ये एक ही मेच्योर होके एक फीमेल गमेटोफाइट बनाता है यानी एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फीमेल गमेटोफाइट बना तो चालीस मेगा स्पोर मदर सेल से कितने फीमेल गमेटोफाइट मिलेंगे यस चलो नेक्स्ट टॉपिक अभी आते हैं हम पॉलिनेशन के ऊपर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है अभी एक सीधी सी बात है हमारे मेल गैमेट्स जो हैं ये जो हमारे दो मेल गैमेट्स हैं ये दोनों मेल गैमेट्स कैसे हैं नॉन मोटाइल है ना तो ये उड़कर जा सकते हैं और ना ही ये तैर कर जा सकते हैं ना ही ये चल कर जा सकते हैं इनको हमको फीमेल गैमेट तक पहुंचाना पड़ेगा और मेल गैमेट्स ये जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है ये पोलन ग्रेन के अंदर है ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन के अंदर है तो आप गैमेट को लेके नहीं पहुंचा सकते लेकिन आप पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकते हो तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम सी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलीनेशन यानी पोलिन ग्रेन को उठा के फीमेल रिपोडक्टिव पार्ट के ऊपर रख देना इसको बोलते हैं पोलिनेशन ठीक है और ये सब क्यों करना पड़ता है क्योंकि ना तो मेल गैमेट उड़ के जा सकता है ना तो फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है ठीक है अब पॉलीनेशन दो टाइप का होता है एक सेल्फ पॉलिनेशन एक क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलीनेशन को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी या एलोगैमी बोलते हैं ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बच्चे इधर पे आके चिल्लम चाली कर रहे हैं ना मैम एमसीक्यू बताओ एमसीक्यू बताओ उनके लिए मैं बोल रही हूँ पॉलीनेशन दो टाइप का होता है ठीक है एक होता है आपका ऑटोगैमी एक होता है आपका जीनोगैमी या एलोगैमी अब इसमें क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन में आपका फ्लावर बाइसेक्शुअल होता है आपका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्शुअल होता है यानी कि उसके पास ही फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है और उसके पास ही मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है इसके अंदर जो एंथर बना ये खुद के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाएगा तो सब कुछ एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है समझो ये एक प्लांट है और इसके पास दो फ्लावर है ओके ये भी बाइसेक्शुअल है ये भी बाइसेक्शुअल है बट इसका मेल गैमेट इस दूसरे फ्लावर के फीमेल गैमेट के ऊपर आके बैठा मतलब उसने खुद के साथ रिप्रोडक्शन नहीं किया पर उसने अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ रिप्रोडक्शन किया तो इसको बोलते हैं जिटोनोगी यानी कि प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दूसरा यूज हुआ है तो यहाँ पे आपको जेनेटिक कैरेक्टर्स सेम देखने को मिलेंगे क्या देखने को मिलेंगे सेम जेनेटिक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे तो ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलीशन है इसमें मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन का यूज होता है पर

क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है आपका एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ जाके पोलिनेट करता है इसमें स्पीशीज सेम होनी चाहिए लेकिन प्लांट्स अलग अलग हो सकते हैं अब ये करने के लिए हमको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है तो दो टाइप के एजेंट्स यूज होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स तो अबायोटिक में क्या आएगा हवा और पानी हवा की मदद से आपका पोलन ग्रेन उड़ उड़ के जाता है या पानी में तैर के अगर पोलन ग्रेन जाके फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो दैट इज अबायोटिक एजेंसी और बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या आते हैं आपके चार बायोटिक एजेंसी आती है एक होती है एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट की मदद से पोलिनेशन करना दूसरा होता है ऑर्निथोफिली यानी बर्ड की मदद से पोलिनेशन करना तीसरा होता है यानी बैट्स की मदद से और चौथा होता है मेल्कोफिली यानी कि स्नेल की मदद से ये आपकी टेक्स बुक में नहीं दिया गया है तो प्लीज इसको आप नोट कर लो ओके ऑल राइट right, अभी देखो अगर आपको सेल्फ पॉलिनीशन ही करना है जैसे कि अगर हम वटाने की बात करें सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करना है क्योंकि हमको बार बार सेम स्पीशीज चाहिए मतलब हमको ग्रीन वटाना बहुत अच्छा लगता है मैगी में डाल के खाने के लिए तो मुझे ग्रीन वटाना ही पैदा करना है मुझे येलो वटाना या दूसरा वटाना नहीं चाहिए तो मैं बार बार सेल्फ पॉलीशन कराऊंगी सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं जैसे कि सबसे पहले कंडीशन होती है होमोगेमी होमोगेमी मतलब क्या होती है दोनों गैमेट्स एक टाइम पे मेच्योर होने चाहिए जब मेल मेच्योर हो रहा है तभी मे फीमेल मेच्योर होना चाहिए तो ही सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा दूसरा कंडीशन होता है क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमी मतलब क्या होता है आपका फ्लावर ओपन होने से पहले ही जब ये फ्लावर बड़ कंडीशन में है तभी उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है और मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है ये आपस में पूरा पॉलिनेशन कर लेंगे उसके बाद वो फ्लावर ओपन होगा तो जो काम करना था जायगोट वगैरह जो बनाना था वो पहले ही बन गया उसके बाद फ्लावर ओपन हो रहा है तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि देखने मिलता है ओके लेकिन अगर समझो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो आप अपने फ्लावर को पहले ही ओपन कर दोगे ताकि हवा से कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके बैठ सके तो उसको बोलते हैं चैस्मोगेमस फ्लावर हमारे पास एक ऐसा फ्लावर है एक ऐसा प्लांट है अंडरग्राउंड फ्लावर्स इन सम प्लांट जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है क्लिस्टोगेमस प्रॉपर्टी भी दिखाता है मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी बनाता है और चैस्मोगेमस फ्लावर भी बनाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर और चैस्मोगेमस फ्लावर जो एक ही प्लांट में बनते हैं उसका एग्जाम्पल है वायोला कोमेलिना ओके okay, ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं ये आपके एम के लिए इंपॉर्टेंट है ओके ऑल राइट तो ये देखो ये टेबल आप प्लीज इसका स्क्रीन ले लो कौन से पर्टिकुलर टाइप का पॉलिनेशन कौन से प्लांट में देखने को मिलता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से आपको दो एमसीक्यू कंपलसरी आएंगे दो एमसीक्यू कंपलसरी आएंगे ठीक है ऑटोगैमी हमको पी प्लांट यानी वटाने में देखने को मिलती है जिटोनोगैमी मैक्सिमा में चैस्मोगैमी यानी ओपन टाइप का पॉलीनेशन वायोलाइन कोमोलिना एंड क्लोज टाइप भी सेम प्लांट्स में देखने को मिलता है विंड पॉलीशन यानी कि हवा की मदद से जो पॉलीनेशन होता है वो हमको ज़्यादा करके वीट राइस कॉर्न बार्ली में देखने को मिलता है क्योंकि जो कैश क्रॉप्स होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इनमें विंड की मदद से पॉलिनेशन होता है हाइड्रोफिली यानी अभी देखो वाटर पॉलिनेशन क्या होता है हाइड्रोफिली बट वाटर में भी दो टाइप का पॉलिनेशन होता है एक पानी के नीचे और एक पानी के सरफेस के ऊपर तो पानी के सरफेस के नीचे जो पॉलीनेशन हो रहा है उसका एग्जाम्पल आएगा जोस्टेरा सी ग्रास और सरफेस के ऊपर जो पॉलिनेशन आएगा उसका एग्जाम्पल है वैलिस ठीक है अभी पानी में भी अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन देखने मिलते हैं मतलब ये भी एक्वेटिक प्लांट है ये भी एक्वेटिक प्लांट है बट इसमें हवा की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो उसका प्लांट्स कौन सा आएगा पोटामोगिटॉन एंड हैलोगेस और पानी में इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल आएगा लोटस वाटर या याकि वाटर ले लिए ठीक है सिर्फ लैंड पे अगर लैंड पे इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल है रोज जैसमिन सिस्टम ओके और एक स्पेशल इंसेक्ट पॉलिनेशन हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं लिवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म जो हमको सेल्विया फ्लावर में देखने को मिलता है बर्ड पॉलीनेशन को बोलते हैं ऑर्निथोफिली जो हमको बॉम्बेक्स बॉटल ब्रश बुटिया में देखने मिलते हैं या आप कैसे याद रख सकते हो बर्ड बी 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 यानी कि बी रेस टू फोर ऐसे याद रख सकते हो सारे एग्जांपल्स बी से स्टार्ट हो रहे हैं और बैट पॉलिनेशन चिरोपटेरोली हमको कौन से प्लांट्स में देखने को मिल रहा है सॉरी बहुत नीचे आ गए हम हाँ बैड पॉलीनेशन कौन से प्लांट्स में देखने को मिल रहा है एंथोसिफलस ट्रीज एंड की गह लिया चलो सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया यस yes, एवरीबॉडी ठीक है ओके okay. सो so, अभी डायरेक्ट आपको मैं अडेप्टशन बता देती हूँ एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन करने के लिए इसमें से एक इम्पॉर्टेंट एमसी क्यों क्या आएगा विंड पॉलीनेशन करने के लिए पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए ओके okay. अभी हवा कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है यानी कि हवा को ना खुशबू की जरूरत है ना खाने की जरूरत है तो हमारे जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं उनके पास ना ही खाना होता है ना ही खुशबू होती है वो बस हल्के होने चाहिए और उनका जो स्टेमन होता है वो स्टेमन कैसा होना चाहिए वर्सेटाइल एंथर होना चाहिए यानी कि स्टेमन हल्के होने चाहिए जिसके वजह से आपके एंथर उड़ के दूर दूर तक जा सके ठीक है तो ये एक इम्पॉर्टेंट एम है कि कौन से टाइप के पोलिनेशन में वर्सिटाइल एंथर होता है सो so ये एक एमसीक्यू है ओके कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एम है मैं हर सेशन में बोलती हूँ कि आपको कलरफुल बॉक्सेस भी करना है कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है हाइपर सेंसिटिविटी टू पोलन तो उनको हे फीवर हो जाता है हे मतलब क्या होता है घास हे hey, मतलब क्या होता है घास और फीवर यानी बुखार तो पोलन ग्रेन के एलर्जी की वजह से जो सेंसिटिविटी हो जाती है जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम हे फीवर ठीक है ओके फिर हाइड्रोफिली वाटर में जो पोलिनेशन होता है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है अभी पानी में अगर पोलिनेशन करना है तो पानी को भी खुशबू या खाने की जरूरत नहीं है लेकिन उसका जो पोलन ग्रेन होता है वो अनवेटेबल होना चाहिए यानी कि वो पानी में सड़ना नहीं चाहिए जैसे लोटस का पत्ता पानी में सड़ता नहीं है तो so दे है ओके दो टाइप का हाइड्रोफिली देखने मिलता है हाइपो एंड हाइड्रोफिली हाइपो हाइड्रोफिली में आपका पोलन ग्रेन हैवी होता है ये देखो ये जो आपका पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन हैवी होता है क्योंकि इसके पास स्टार्च ग्रेन्यूल ज्यादा होते हैं तो ये पोलन ग्रेन पानी के नीचे चला जाता है और फिर पोलिनेशन करता है ओवरी के पास जाके ओके लेकिन एपीहाइड्रोफिली में आपका ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन हल्का है इट इज़ लाइट यानि कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये पानी से भी कम है इसी वजह से ये देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जिसकी वजह से पोलन ग्रेन सरफेस के ऊपर आ जाता है और टेम्पररी फीमेल फ्लावर भी अपने ओवरी को सरफेस के ऊपर भेज देती है ताकि वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके और पोलिनेशन कर सके बहुत स्मार्ट फीमेल है तो ये हमको देखने को मिलता है वैलीस नरिया के स्पीशीज में ठीक है फिर इंसेक्ट पोलिनेशन में आपको एमसीक्यू क्या याद रखना है कि इंसेक्ट किस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट होते हैं खुशबू को देखकर तो इनके पास बहुत सारी खुशबू होती है दे हैव स्वीट ओडर इधर पे आपको एनसीक्यू के लिए क्या याद रखना है कि इंसेक्ट पोलिनेशन प्लांट के पास पोलन किट प्रेजेंट होता है ये पोलन किट येल्लो स्टिकी लेयर है और इस येल्लो स्टिकी लेयर से बहुत सारे मेडिसिन और बहुत सारा फूड प्रोडक्ट बनता है तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट पोलिनेशन में और एक एक्सेप्शन जो है ये वाला सेल्विया वाला तो ये सेल्विया वाले में क्या होता है ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट है जिसमें आपका जो फ्लावर है इसके पास दो एंथर लोब होते हैं एक अपर एक लोअर तो जो अपर एंथर लोब है ये स्टराइल है और जो लोअर एंथर लोब है ये फर्टाइल सॉरी अपर वाला फर्टाइल है और लोअर वाला स्टराइल है तो ये इंसेक्ट जब इस फ्लावर के ऊपर बैठता है तो ये अपर एंथर लोब के पोलन ग्रेन इस, इस इंसेक्ट के ऊपर गिरते हैं फिर ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाके अपनी बॉडी को झटकता है जिसकी वजह से इसके पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं सो दिस इज योर लिवर पाइप मैकेनिज्म यानी कि एक एक आ, ये तराजू के जैसा है एक लोग नीचे गया तो दूसरा लोग ऊपर आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लिवर पाइप मैकेनिज्म या टर्न सॉरी लिवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म फिर उसके बाद अपना आता है बर्ड पॉलिनेशन बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं तो उनको नीचे तक खुशबू नहीं मतलब आसमान तक खुशबू नहीं जाएगी तो बर्ड्स का जो स्मेलिंग सेंस होता है वो पुअर होता है इधर पे एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है किसका स्मेलिंग सेंस पुअर होता है बर्ड्स का क्योंकि वो आसमान में उड़ते हैं तो उनको खुशबू उतने दूर तक तो जाने वाली नहीं है लेकिन उनको कलर दिखाई देगा तो बर्ड्स जिन प्लांट में पॉलीनेशन करते हैं उनके फ्लावर बड़े होने चाहिए तो फ्लावर बड़े होते हैं उनके पास खुशबू ज़्यादा नहीं होती बट वो ब्राइट कलर के होते हैं ताकि बर्ड्स उनको आसानी से देख सके और लास्ट में आता है आपका चिर यानी कि बैड पॉलीनेशन तो बैड पॉलिनेशन कैसे क्यों किया जाता है जब आपको पोलन ग्रेन दूर तक लेकर ट्रैवल करना होता है तो हम बैट पोलिनेशन करते हैं इनके पास खाना बहुत सारा होना चाहिए बैट को खुशबू से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मतलब हो भी सकता है ठीक है खुशबू होती है इसके पास बट इनके पास खाना ज्यादा होना चाहिए क्योंकि बैट्स का बॉडी साइज बड़ा होता है ठीक है यस yes, एवरीबडी मेरी आपसे विनती है कि चैट बॉक्स में प्लीज बकवास मत करो नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर जो जेनुन बच्चे हैं जो जेनुन डाउट्स पूछ रहे हैं उनके डाउट्स मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद करके रखा हुआ है ठीक है ओके okay. चलो बताओ ब्राइट कलर का फ्लावर अडाप्टेशन किसके लिए है एनिमल्स के लिए तो नहीं है ये अपना विंड पॉलीनेशन है ये अपना वाटर पॉलिनेशन है सॉरी इंसेक्ट को ब्राइट कलर से ज्यादा अट्रैक्शन उसको खाने से होता है ये एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट इंसेक्ट को कलर से ज्यादा फूड ज्यादा चाहिए तो कलर को देख के कौन अट्रैक्ट होता है एनिमल्स यानी कि स्नेल्स और बर्ड्स तो आंसर आएगा आपका जू फिली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू विंड पोलिनेशन को क्या बोलते हैं जल्दी से आंसर बताओ यस yes, फटाफट

कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब होता है जुगाड़ लगाना ठीक है क्योंकि अगर समझो हमारे पास बायोसेक्शुअल फ्लावर है तो हमको इसमें सेल्फ पॉलीनेशन रोकना पड़ेगा तभी आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्यों चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन नया नया वैरायटी बनाने के लिए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हम अपने प्लांट को यूनिसेक्सुअल बना सकते हैं यानी कि Uh, अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा तो उसमें सेल्फ uh, पॉलिनेशन होने के चांसेस ही नहीं है जिसका एग्जांपल है मलबरी एंड पपाया या तो आपका प्लांट मेल होगा या तो फीमेल होगा ठीक है तो इसमें कंपलसरी क्रॉस पोलिनेशन होगा सेकेंड कंडीशन होता है डाइकोगेमी इसका अपोजिट हमने क्या पढ़ा था होमोगेमी होमोगेमी में हमने क्या पढ़ा था गैमेट्स मेच्योर एट सेम टाइम जब अगर आपके गैमेट सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है बट हमको इधर सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है तो हम डाइकोगैमी करेंगे डायकोगैमी में क्या होगा जब आपका फीमेल मेच्योर होगा तो आपका मेल मेच्योर नहीं होगा और जब आपका मेल मेच्योर होगा तो आपकी फीमेल मेच्योर नहीं होगी इसके दो एग्जाम्पल है प्रोट एंड्री एंड्री यानि एंड्रोशियम तो प्रो यानी कि फर्स्ट यानी कि जब आपका एंड्रोशियम मेच्योर है तब आपका गाइनोशियम मेच्योर नहीं है और गाइनी यानी कि गाइनोशियम तो जब आपका गाइनोशियम मेचोर है तब आपका एंड्रोशियम नहीं है तो इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करके रखना है फिर नेक्स्ट अपना क्या आता है प्री पोटेंसी प्री पोटेंसी में क्या होता है इसमें तो कुछ अलग ही हो जाता है समझो ये अपना फीमेल का रिप्रोडक्टिव वर्ल है तो इसके पास खुद का पोलन ग्रेन है और इसके पास दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन है लेकिन इसके खुद के पोलन ट्यूब बनने से पहले दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन पहले जर्मिनेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्री पोटेंसी जो हमको एप्पल में देखने मिलता है यानी इधर पे सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है लेकिन यहाँ पे दूसरा पोलन ग्रेन पहले आके जर्मिनेशन कर देता है फिर उसके बाद आता है हेट्रोस्टाइलि हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कभी भी याद रखो सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए आपका जो स्टिग्मा है और आपके मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का जो एंथर है दोनों का साइज सेम होना चाहिए तभी आपके पोलन ग्रेन डायरेक्ट इधर से निकल के इधर आएंगे लेकिन अगर दोनों का लेवल अलग अलग हुआ यहाँ देखो ये यह एंथर बहुत छोटा है स्टिग्मा बहुत लंबा है या ये एंथर बहुत लंबा है स्टिग्मा बहुत छोटा है तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स अगर देखने को हमको मिले तो इसको बोलते हैं हैंट्रोस्टाइली या हेट्रोमोर्फी यानी मॉर्फी यानी स्ट्रक्चर तो अलग अलग स्ट्रक्चर अगर देखने को मिले तो उस कंडीशन में भी आपका पॉलीनेशन फ्लॉप हो जाएगा यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा क्रॉस पॉलीनेशन होगा ठीक है फिर नेक्स्ट आता है हरकोगेमी हरकोगेमी में क्या होता है इसमें मैकेनिकल बैरियर होता है मैकेनिकल बैरियर यानी कि फ्लावर बायसेक्सुअल है लेकिन क्या फायदा बायसेक्सुअल होने का इसका फीमेल का रिप्रोडक्टिव वर्ल ऊपर की तरफ है और मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल नीचे की तरफ है अलग अलग डायरेक्शन में इसको बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर ओके okay, यानी बायसेक्सुअल होने के बावजूद भी यह पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है और ये स्पेशली हमको कैलेट्रोपिस में देखने को मिलता है जिनके पास पेंटेगुलर स्टिग्मा यानी पांच एंगल वाली स्टिग्मा प्रेजेंट होती है ओके okay? और लास्ट में आता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी यानी कि है ये बाइसेक्शुअल लेकिन कुछ भी हो जाए ये खुद के पोलन ग्रेन के साथ पर ये नहीं करेंगे पोलिनेशन नहीं करेंगे जर्मिनेशन नहीं करेंगे ये दूसरे पोलन ग्रेन के साथ जर्मिनेशन करेंगे इनको खुद का पोलन ग्रेन अच्छा नहीं लगता तो उसका एग्जाम्पल है टोबैको एंड थिया तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए ओके ऑल अभी लास्ट में अपना आता है चलो बताओ फटाक से इज फाउंड बिटवीन फ्लावर्स विचार आर जिटोनोगेमी किस में देखने को मिलता है हमको यूनीसेक्सुअल में

अब आता है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत ही सिंपल है मैंने आपको क्या बताया था कंपैटिबिलिटी के बारे में कंपैटिबिलिटी यानी कि जो ताला है उसी की चावी से वो ताला खुलेगा नोकिया का मोबाइल नोकिया के चार्जिंग से चार्ज होगा चार्जर से चार्ज होगा आईफोन का मोबाइल आईफोन के चार्जर से चार्ज होगा आप किसी भी मोबाइल का चार्जर किसी दूसरे मोबाइल के लिए यूज नहीं कर सकते तो इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग ठीक उसी तरीके से हमारे पोलन ग्रेन और हमारे स्टिग्मा के बीच में भी हमारे पोलन ग्रेन और हमारे स्टिग्मा के बीच में भी कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है इसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन ठीक है सो so, समझो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर बैठे हैं ये आपका एक पोलन ग्रेन है ये दूसरा पोलन ग्रेन है ये तीसरा पोलन ग्रेन है ठीक है ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन बैठे हैं यहाँ पे एक ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड तो होता क्या है कि इनमें से जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन होगा स्टिग्मा सिर्फ उसके दरवाजे ओपन करेगा उसके रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेगा और अपने डोर को ओपन करेगा और स्टिग्मा के अंदर जो भी वाटर है और जो भी शुगर है सुबेरीन शुगर है ये सब वो पोलन ग्रेन को दे देगा ताकि पोलन ग्रेन खा के अच्छा खासा मोटा हो जाए और जर्म पोर से वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर सके ठीक है जर्म पोर से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर सके तो इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग ओके और बाकी के जो पोलन ग्रेन है उनको जब खाना ही नहीं मिलेगा अगर आपको खाना नहीं दिया तो आपकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी तो सिंपल सी बात है जो बचे हुए पोलन ग्रेन है अगर इनको खाना ही नहीं मिला तो ये डिस्कार्ड हो जाएंगे यानी कि ये नीचे गिर जाएंगे इनको हम फेंक देंगे ओके okay? तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन ही सिर्फ आपके स्टिग्मा से एक्सेप्ट होता है बाकी पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं होता तो जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा से चिपक जाएगा फिर अपना स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट्स देगा यानी हाइड्रेशन करेगा यानी कि वाटर और फूड प्रोवाइड करेगा फिर आपका पोलन ग्रेन जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो जहाँ पे इसका जर्म पोर प्रेजेंट था वो जर्म पोर वाले रीजन से क्या देखने को मिलेगा हमको जर्म पोर वाले रीजन से पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यस yes, एवरीबडी तो जर्म पोर से आपका पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर निकल रहा है और फिर यही पोलन ट्यूब धीरे 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 करके आगे जाके आपके ओव्यूल तक जाएगी और इसके अंदर आपके मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो इट इज एज सिंपल एज दैट इसी को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर एवरीबडी ओके okay? हाँ अब इधर पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको क्या बताया गया है समझो कि अगर आप लैब में जर्मिनेशन करने की कोशिश कर रहे हो मतलब लैब में आपने एक ट्यूब लिया और ट्यूब के अंदर आपने ये एक आर्टिफिशियल मीडियम तैयार किया है जिसको हम बोलते हैं अगार इस अगार के अंदर सेम न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपने स्टिग्मा के ऊपर होते हैं इसके अंदर सेम न्यूट्रियट्स हैं जो अपने स्टिग्मा के पास होते हैं क्या क्या होता है अपने स्टिग्मा के पास स्टिग्मा के पास होता है वाटर और शुगर वाटर और शुगर तो अगर मैं सेम न्यूट्रिएंट्स इस अगार में डाल दूं और यहाँ पे मैं अपना पोलन ग्रेन ला कर रख दूं तो इस पोलन ग्रेन में भी पोलन ट्यूब ग्रो हो जाएगी बस मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें आर्टिफिशियल सुक्रोज यानी थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर डालना पड़ेगा तो सुक्रोज की मदद से हम पोलन ग्रो पोलन ट्यूब को लैब के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और इनफैक्ट बोरिक एसिड भी क्या करता है इस प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करता है तो ये जो लास्ट की तीन लाइन है ये आपके एम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी यस बच्चा लोग इज़ दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होता है Yes, ओके okay. अब समझो कि मुझे ना स्पेसिफ़िक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है क्या करना है मुझे स्पेसिफिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है मुझे मेरे पास सिलेक्टिव स्पीशीज़ है उसका ही मुझे मेल गैमेट लेना है और इसको वाई स्पीशीज़ के साथ मुझे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कराना है ठीक है तो मैं क्या करूँगी मेरा ये जो एक्स स्पीशीज़ है ठीक है ये बायसेक्शुअल है क्या है ये फ्लावर बायसेक्शुअल है तो मैं इसमें से क्या करूंगी देखो मैं फीमेल को तो निकाल नहीं सकती क्योंकि फीमेल फ्लावर से चिपकी हुई होती है वो फ्लावर के बेस से चिपकी हुई होती है बट हम मेल्स को निकाल सकते हैं क्योंकि मेल्स का वैसे भी ऊपर वाला पार्ट हम यूज़ करते हैं फीमेल्स का नीचे वाला पार्ट यूज करते हैं यानी ओवरी वाला पार्ट यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं हमारे पास जो बायसेक्शुअल फ्लावर होता है उसमें से हम मेल वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं यानी कि हम कर देते हैं उसका ई मैस्कुलेशन ई वर्ड का मतलब क्या होता है रिमूवल तो हम अपने हाथ से फोरसेप से मेल वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं इमेस्क्यूलेसन कर देते हैं ये देखो हमने एंथर को रिमूव कर दिया तो अब इस फ्लावर में क्या बचा सिर्फ स्टिग्मा बचा ठीक है तो अब मैं इसी फीमेल गैमेट को यूज करूंगी ओके ऑल राइट अब मुझे जिस एक्स स्पीशीज का पोलन ग्रेन चाहिए मैं उस एक्स स्पीशीज का पोलन ग्रेन लूंगी और अपने इसी स्टिग्मा के ऊपर रखूंगी हैंड पोलिनेशन करूंगी ये करने के बाद अब यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाने का है वो बोलते हैं ना रिस्क नहीं लेने का रे बाबा तो इधर पे मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना है रिस्क नहीं उठाना है तो इन दोनों के बीच में सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो इसकी गारंटी मुझे कैसे मिलेगी जब मैं इसको एक बैग के अंदर बंद कर दूंगी नहीं तो क्या होगा हवा के वजह से अगर दूसरा पोलन ग्रेन आया और इधर पे प्री पोटेंसी हो गया तो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो गया तो इसलिए मुझे रिस्क नहीं उठाना है मैं इसको एक बैग से कवर कर देती हूँ और इस बैग के ऊपर मैं ऐसा एक टैग लगा देती हूँ कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर एक्स वाई जेड है तो इधर पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिससे हवा ऑक्सीजन एयर गैसेस पास हो सके बस उतना ही बाकी कोई दूसरा पोलन ग्रेन नहीं जाना चाहिए और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेसफुल है या फ्लॉप है तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी और ये हम कब कब करते हैं जब हमको स्पेसिफिक वेरिएशन चाहिए होता है यानी क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है ओके अभी हमारा पंद्रह मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा नाउ नेक्स्ट कम्स अवर डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है ओके okay. सबसे पहली बात तो इसका एक इंपॉर्टेंट एम सी क्यू डबल फर्टिलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था नवास्टिन ने दिया था कौन से प्लांट्स में लिलियम एंड फ्रिटिल एरिया में और ये किस में देखा जाता है सिर्फ एनजियोस्पम्स में जिम्नोसपॉम्स में ये नहीं देखा जाता है हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं वो समझाने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं ये देखो आपका ये जो स्टिग्मा है स्टिग्मा के अंदर अपना ओव्यूल मतलब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है और ये अपना ओव्यूल है इस ओव्यूल के अंदर अपना एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक के पास इधर पे अपना फीमेल गैमेट है तो अपना जो मेल गैमेट है उसको इस फीमेल गैमेट तक आना है ठीक है समझो यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन बैठा है और यहाँ से वो पोलन ट्यूब बना रहा है बट अब इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है आपके मेल गैमेट्स है इस पोलन ट्यूब के अंदर आपके मेल गैमेट्स है इन मेल गैमेट्स को इस फीमेल गैमेट तक पहुंचना है तो वो कैसे जाएगा सबसे पहली बात वो पोलन ट्यूब की मदद से जाएगा कैसे जाएगा पोलन ट्यूब की मदद से तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं सिफोनोगैमी, साइफिन आपने फिजिक्स में पढ़ा है साइफिन वर्ड का मतलब होता है ट्यूब पाइप ओके तो पोलन ट्यूब की मदद से आपके मेल गैमेट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे सिफोनोगैमी लेकिन अब ये पोलन ट्यूब एग्जैक्टली अपने फीमेल गैमेट तक कैसे जाएंगे कोई नेविगेशन मैप थोड़ी है अपने पोलन ट्यूब के पास एम इंडिकेटर नहीं होता या उसके पास मैप नहीं होता गूगल मैप नहीं होता कि जिसकी मदद से वो बराबर अपने एक, एक गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच सके ओके तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं किधर से जाऊं मैं किधर से जाऊं उसके पास तीन रास्ते होते हैं अगर आपका मेल गैमेट एकदम बराबर मतलब आपका ये जो पोलन ट्यूब है वो इज्जत से सीधा 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 जाएगा और माइक्रोपाइल के पास से अगर वो एंट्री लेता है तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी यानी कि वो पोलन ट्यूब स्ट्रेट आया और माइक्रोपाइल से गया इसको बोलेंगे पोरोगैमी ठीक है लेकिन समझो आपका पोलन ट्यूब कन्फ्यूज़ हो गया आपका पोलन ट्यूब क्या हुआ आपका पोलन ट्यूब कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं किधर से जाऊँ और इसने अपना रास्ता बदल दिया यानी कि ये जाते जाते इसको नीचे से जाना चाहिए था बट ये नीचे से नहीं जा रहा है ये जाते जाते आपके चलाजा से घुस गया इधर चलाजा से आया और चलाजा से घुस के फिर ये नीचे आया ठीक है मतलब ये बाहर से नहीं आया इसने पहले ही अंदर एंट्री ले ली तो इसको बोलेंगे चलाजोगी और फिर समझो कि चलाजा से भी नहीं आया अभी इसके अंदर चर्बी भरी हुई है ठीक है इसको रास्ता पता है लेकिन फिर भी ये हमारा पोलन ट्यूब जो है ये नाटक कर रहा है ये हमको बुद्धू बना रहा है ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है आपको लगेगा कि ये सीधा जाने वाला है बट ये बीच में से अंदर चला जाएगा बीच में से अंदर जाएगा और फिर अंदर से ये लॉन्ग कट मारेगा तो इसको बोलेंगे मीसोगी यानी कि जब आपका पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से घुसता है किधर से अंदर घुसता है इंटीग्यूमेंट से तो ये हो गई पोलन ट्यूब की एंट्री चलो जैसे तैसे पोलन ट्यूब अंदर तो गया इज दिस क्लियर जैसे तैसे पोलन ट्यूब अंदर गया ये हमको समझ में आया एवरीबडी yes, ठीक है जैसे तैसे हमारा पोलन ट्यूब अंदर गया ये आपके एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है इसलिए मैं इतना टाइम पास करके बता रही हूँ अब बारी आती है कि हमारे पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं इस मेल गैमेट को अंदर छोड़ा जाए तो इस मेल गैमेट को अंदर कैसे छोड़ेंगे ये देखो इधर पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो सिनर्जिड होते हैं यहाँ पे एक सिनर्जिड होता है यहाँ पे एक सिनर्जिड होता है सिनर्जिड के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म अपटस ये फिलीफॉर्म ऑपेरेटस केमिकल रिलीज करते हैं जिसके वजह से पोलन ट्यूब इनकी तरफ खींचे चले आते हैं ऐसे ऐसे स्मेल करते करते ये इनकी तरफ खींचे चले आते हैं ठीक है थीके? तो आपका पोलन ट्यूब जैसे तैसे आपके माइक्रोपाइल के पास आ गया अब पोलन ट्यूब को अंदर जाना है तो ये क्या करता है ये एक सिनरजिट को बर्स्ट करता है उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से ये पोलन ट्यूब अंदर एंट्री लेता है अब जैसे ये पोलन ट्यूब अंदर एंट्री लेता है ये अपने दोनों मेल गैमेट्स को अंदर रिलीज कर देता है तो समझो इधर पे दो मेल गैमेट्स आए बट अब ये मेल गैमेट्स कन्फ्यूज है कि कौन सा मेल गैमेट किधर जाए तो आपके ये जो दोनों मेल गैमेट्स हैं ये दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट ये देखो एक मेल गैमेट आपके फीमेल गैमेट के पास गया ये ग्रीन वाला सेल आपका फीमेल गैमेट है और ये पर्पल वाला सेल आपका मेल गैमेट है और दोनों हैप्लॉयड है दोनों क्या है heploid है तो दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया इसको हम बोलते हैं सिन गैमी सिन यानी कि फ्यूजन सिन कार्पस ओवर ही देखा था ना हमने और किसका फ्यूजन गैमेट्स का फ्यूजन तो हमको क्या मिलेगा डिप्लॉइड ये भी है ये भी हेप्लॉयड है तो हमको क्या मिलेगा डिप्लॉयडोट ओके और जो दूसरा वाला मेल गैमेट था बच्चों ये ये देखो ये जो आपका दूसरा वाला मेल गैमेट था ये आपका पहला वाला मेल गैमेट है ओके और ये जो आपका दूसरा वाला मेल गैमेट था ये देखो किधर जा रहा है ये जा रहा है आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास तो ये देखो ये आपका जो दूसरा वाला मेल गैमेट है ये आया आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास तो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी न्यूक्लियस था जो कि डिप्लॉइड था प्लस एक मेल गैमेट आया जो कि हेप्लॉयड है तो तीनों मिलके कितना हुआ टू प्लस वन थ्री ट्रिप्लॉयड एंडोस्पॉम न्यूक्लियस पहले प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस बनता है फिर ये मेच्योर होकर ट्रिप्लॉयड एंडोस्पॉम न्यूक्लियस बनाता है और यही क्या करेगा आपके सीड को या आपके जायगोट को फूड प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा जयगोट आगे जाके सीड बन सके सो इस दिस क्लियर हमने इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला क्योंकि जो हमारे पास दो मेल गैमेट थे एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जाके जयगोड बना रहा है और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस बना रहा है इसीलिए दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी सिफोनोगैमी यानी पोलन ट्यूब की मदद से मेल गैमेट्स लेकर जाना सिन गैमी यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन तो इससे आपको नया सेल मिलेगा इसीलिए सिन गैमी को हम बोलते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और आपका जो ट्रिपल फ्यूजन है ट्रिपल फ्यूजन से हमको क्या मिल रहा है प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस जो आगे जाके मेच्योर एंडोस्पॉम बनाएगा तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन सिन को बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्योंकि इससे नया सीड मिल रहा है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन चलो सब लोग मुझे कलरफुल हार्ट दे दो सबको समझ में आया यस एवरीबडी कमोन कमोन फास्ट 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 यस आपका एग हेप्लॉयड है मेल गैमेट हेप्लॉयड है यहाँ पे आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था ये डिप्लॉयड है और मेल गैमेट हेप्लॉइड है गैमेट्स हमेशा हेप्लॉयड होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यस yes? चलो तो डबल फर्टिलाइजेशन का ये क्या है फायदा क्या है कि हमको डिप्लॉयड सीड मिलता है हमको फ्रूट्स मिलेंगे एंडोस्पॉम टिश्यू मिलेगा डिप्लॉयडोट मिलेगा और पोलियम नहीं होगा ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से द फर्टिलाईजेशन प्रोसेस इन विच नॉन मोटाइल गैमेट्स की मदद से ट्रैवल करा रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं हम? Yes, next question. Double fertilization किसने डिस्कवर किया था जल्दी बताओ. Double fertilization किसने डिस्कवर किया था? या तुम लोग लाइक बटन पे क्लिक करने से कंजूसी करते हो चलो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक करो जल्दी जल्दी Yes, अपना इस संडे को बायोलॉजी का फर्स्ट मॉक टेस्ट होने वाला है यूट्यूब पर ही होगा हंड्रेड मार्क्स का ठीक है हंड्रेड एम का मॉक टेस्ट होगा इसका जो टाइमिंग है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करके रखो ठीक है ओके चलो सो डबल फर्टिलाइजेशन किसने दिया था नवाज चीन ने अब बारी आती है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पॉम की किसकी बारी आती है एंडोस्पॉम डेवलपमेंट की तो इधर देखो हमारा ओवरी है ओवरी के अंदर ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर इधर पे आपका जायगोट है और इधर पे आपका एंडोस्पर्म है ठीक है तो अब ये एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा फिर आपके जायगोट का डेवलपमेंट होगा क्योंकि खाना बनेगा तभी आपका जायगोट आगे डेवलप होगा तो एंडोस्पर्म डेवलप करने के तीन तरीके होते हैं न्यूक्लियर टाइप सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप इसमें से एनसी में क्या आता है एग्जाम्पल्स न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म में कोकोनट में हमको देखने को मिलता है सेलुलर टाइप बेस बालसम पेटूनिया नडोक्सा में हेलोबियल टाइप एस्फोडिलस में एंड मोजेक टाइप कॉर्न में देखने मिलता है न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पॉम में क्या होता है आपका जायगोड तो एक ही कॉर्नर में है लेकिन आपका एंडोसपॉम पहले डिवाइड हो रहा है मतलब इधर पे पहले आपको फ्री न्यूक्लियर डिविजन देखने मिल रहा है आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रहा है फिर बीच में वैक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और इस वैक्यूल की वजह से आपके सेल साइड साइड में धक्का दे दिए जाते हैं तब जाके इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है सो दिस इज न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पॉम जो हमको कोकोनट में देखने मिलता है ठीक है फिर सेलुलर टाइप में क्या होता है जब फर्स्ट डिविजन हुआ तभी से आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है मतलब ये फर्स्ट डिवीजन हुआ तो सेल वॉल बन गई बीच में फिर सेकंड डिवीजन में वापस से सेल वॉल बन गई फिर थर्ड डिवीजन में सेल वॉल तो कंटिन्यू सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है एकदम अच्छे बच्चे के जैसे डिसिप्लिन मैनर में तो ये होता है बालसम पेट्यूनिया एंड एडोक्सा में और हेलोबियल टाइप मतलब क्या होता है पहले इसमें सेलुलर टाइप एंडोस्पॉम्प देखने को मिलता है मतलब पहला सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और फिर न्यूक्लियर टाइप होगा और फिर आगे जाके आपको मल्टी सेलुलर वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ये सेलुलर टाइप और न्यूक्लियर टाइप दोनों का मिक्सचर है तो ये हमको देखने को मिलता है कि इसमें एस प्लांट में ठीक है और लास्ट में अपना आता है मोजेक एंडोस्पॉम मोजाइक एंडोस्पॉम मतलब क्या होता है इसमें हमको अलग अलग कलर के एंडोस्पॉम्स देखने को मिलते हैं ये देखो येलो ऑरेंज व्हाइट ऐसे अलग अलग कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं तो इसको बोलते हैं मोजक एंडोस्पॉम ओके ऑल राइट ऑल राइट तो विच एंडोस्पॉम इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ न्यूक्लियर एंड सेलुलर फटाफट बताओ जल्दी जल्दी कम ऑन क्विक एवरीबडी विच एंडॉम इज मिक्सचर ऑफ बोथ न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पम जल्दी बताओ हेलो हेलोबियल यस ओके हेलो हेलोबियल एंडोस्पम अब अपना नेक्स्ट आता है अब अपना नेक्स्ट क्या आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नेक्स्ट अपना क्या कॉन्सेप्ट आएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ठीक है ओके अभी देखो हमने क्या पढ़ा ये हमारा ओवरी था ओवरी के अंदर ओव्यूल था ओवली के ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका इधर पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया ठीक है अब इधर पे अपना जो जायगोट है इस जायगोट का डेवलपमेंट करना है जब ये जायगोट फर्स्ट सेल डिवीजन करेगा तो दो सेल बनते हैं उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो इसको हम क्या बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो इसमें एक सेल छोटा रहता है एक सेल बड़ा रहता है जो छोटा वाला सेल है उसको बोलते हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल इनिशियल जो बड़ा वाला सेल है उसको बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसियर इनिशियल ये बेसल सेल सिर्फ सपोर्ट देने वाला है ये जो बेसल सेल है ये आगे जाके सिर्फ सपोर्ट देने वाला है और टर्मिनल सेल जो है यह आपका एक्चुअल एम्ब्रियो बनने वाला है तो ध्यान से देखो फर्स्ट माइटोसिस सेकेंड माइटोसिस थर्ड माइटोसिस इधर देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट माइटोसिस हुआ या तो आपको दो सेल मिले यहाँ पे आपका माइटोसिसकेंड माइटोसिस हुआ पे पे आपका यहाँ पे आपका थर्ड माइटोसिस माइटोसिस हुआ हुआ ठीक है और फोर्थ तो चार सक्सेसिव सेल डिवीजन के बाद चार सक्सेसिव सेल डिवीजन के बाद आपको क्या मिलता है आपका ग्लोब्युलर ऑक्टेंट स्टेज क्या मिलता है आपको आपका ग्लोब्युलर ऑक्टेंट स्टेज ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है टू एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो और कितने माइटोसिस के बाद आपको आपका स्टेज मिलता है चार सक्सेसफुल माइटोसिस के बाद ओके okay, चार ये देखो अच्छा सॉरी अगर आपको से पूछा तो जायगोट से चार माइटोसिस आएगा लेकिन अगर आपको पूछा कि एम्ब्रियोनल इनिशियल से कितना माइटोसिस हुआ अपना टर्मिनल सेल को ही हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियोनल इनिशियल तो एम्ब्रियोनल इनिशियल से पूछा तो तीन ही माइटोसिस आएगा ये देखो ये हो जाएगा फर्स्ट ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड तो इधर पे आपको ये लाइन दी गई है थ्री सक्सेसिव मतलब बनाने के लिए तीन करना पड़ता है जो जो MCQ के लिए important है मैं आपको आपको वो बोल रही हूं. अगर आपको से पूछा तो आप चार माइटोसिस बोलोगे अगर आपको एम्ब्रियोनल इनिशियल से पूछा तो आप तीन माइटोसिस बोलोगे ठीक है अब उसके साथ साथ ये तो एम्ब्रियोनल इनिशियल का माइटोसिस हो गया ठीक है ओके हाँ. अब इसके साथ साथ आपका सस्पेंसर सेल में भी तो डिवीजन हो रहा है तो आपके सस्पेंसर का जो सबसे नीचे का बड़ा सेल होता है इसको हम क्या बोलते हैं ये जो सबसे नीचे का अपना बड़ा सेल है इसको हम बोलते हैं हाइपो हॉस्टोरियम ये जो सबसे बड़ा बल्की सेल होता है इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियम और जो सबसे यंग सेल होता है इसको बोलते हैं हाइपोफिसिस ये हाइपोफिसिस क्या करेगा आगे जाके रेडिकल बनाने में हेल्प करेगा जिससे हमारा रूट कैप बनेगा क्या बनेगा रूट कैप बनेगा ठीक है रूट कैप एंड रूट बनेगा ओके okay? और अभी देखो ये जो आपका ग्लोबुलर स्टेज है ये कंटिन्यू सेल डिविजन दिखाता है ये देखो ये आपका जो ग्लोबुलर स्टेज है बच्चा ये ग्लोबुलर स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है जब आपका ग्लोबुलर स्टेज बनता है ना तो ये अपर टायर इसको हम बोलते हैं अपर टायर और इसको हम बोलते हैं लोअर टायर यानी नीचे के चार सेल्स तो अपर टायर के जो सेल्स हैं ये आगे जाके बनाएंगे शूट यानी कि फॉर्टी क्या बनाएंगे ये कॉर्टी ओके okay? और आपका ये जो लोअर टायर है ये आगे जाके बनाएगा रूट यानी कि हाइपोकोटाइल अपर टायर को बोलेंगे एपिकोटाइल ये अपना एपिकोटाइल वाला पार्ट है ये देखो ये जितना भी ग्रीन वाला पार्ट है ये अपना एपिकोटाइल है इससे जाके आपका कॉटिलिडॉन्स बनेगा और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इससे जाके आपका हाइपोकोटाइल बनेगा हाइपोकोटाइल क्या बनाता है रूट तो एम के लिए आपको क्या क्या याद रखना है एम के लिए बताती हूँ इधर से चार एम आ सकते हैं जब आपका जायगोड फर्स्ट डिविजन करता है तो उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो ये आपका टू सेल स्टेज है ये आपका फर्स्ट एम है फिर इसके बाद कितने माइटोसिस के बाद कितने माइटोसिस के बाद आपका एम्ब्रियोनल इनिशियल ऑक्टेंट स्टेज बनाता है कितने माइटोसिस के बाद ऑक्टेंट स्टेज बनाता है थ्री माइटोसिस के बाद ये आपका सेकेंड एमसी है ठीक है फिर उसमें से अपर टायर के जो सेल्स से है ये बनाएंगे कॉटिलिडॉन्स और लोअर टायर के जो सेल्स से है ये बनाएंगे हाइपोकोटाइल यानी कि रूट वाला पार्ट तो ये आपका थर्ड एम है तो ऐसे एम सी आपको पूछा जाता है येस yes, एवरीबडी आगे जाके हाइपोफिसिस आपका रूट कैप बनाएगा और आपका कॉटिलिडोन जो होता है ये हॉर्स शू शेप बन जाता है तो इसको बोलते हैं फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटिलिडोन इज दिस क्लियर एवरीबडी आपके मोनोकॉर्ट और डायकॉर्ट दोनों में सेम डेवलपमेंट होती है लेकिन कौन से स्टेज तक सिर्फ ग्लोबुलर स्टेज तक इस स्टेज तक सेम डेवलपमेंट होती है अब बस फर्क क्या होता है कि इधर पे जो आपका प्लीम्यूल है ये एक सिंगल कॉर्टिलिडोन बन जाता है और इसका जो हाइपोकोटाइल है वो नीचे ही रह जाता है ये देखो इसका हाइपोकोटाइल इधर पे नीचे रह गया है और इसका प्लीम्यूल वाला पार्ट जो है एपिकोटाइल वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे साइड में रह जाता है और ये बन जाता है इसका कॉर्टिलिडोन तो इस कॉर्टिलिडॉन को हम बोलते हैं स्कूटेलम इस कॉटिलिडॉन कोर्टिलिडॉन है इसको हम क्या बोलते हैं स्कूटेलम तो यहाँ पे एनसीक्यू में क्या आएगा द शील्ड ऑफ नोन एज स्कूटेलम ये आपका एनसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? इसके अलावा इसके अलावा आपका ये जो कॉर्टिलिडॉन है ये देखो अरे जाने दो मेरे पीछे छुप गया है डायग्राम हाँ इसके अलावा आपका ये जो कॉर्टे है इसके स्कूटेलम के नीचे जो एपिकोटाइल है एपिकोटाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कोलियोपटाइल यानी प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोपटाइल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा ठीक है कैसे याद रखोगे पी फॉर प्लीम्यूल और कोलियोपटाइल की स्पेलिंग में पी आता है आर फॉर रेडिकल और कोलियोराइजा की स्पेलिंग में रेडिक uh, आर आता है सो so, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा फ्लिम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लिम्यूल और फाइनली आपका जो ओव्यूल है यानि कि ऐसी आपकी ओवरी थी इसके अंदर ओव्यूल था ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक था फाइनली ये बन गया आपका सीड और आपके ये जो आउटर लेयर्स थे ये आउटर इंटीग्यूमेंट और अंदर इनर इंटीग्यूमेंट जो था ये बन गया आपका सीड कोट ठीक है आपका पूरा सीड बन गया तो ये सीड क्या करता है ये ऑक्जिन हॉर्मोन सेक्रिएट करता है

कम ऑन क्विकली टेल मी जल्दी जल्दी मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा कम ऑन फास्ट यस टू येल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा द लार्जर सेल टूवर्ड द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड एज वॉट हमारा जायगोट है जायगोट ने टू सेल स्टेज बनाया आपका एम्ब्रियोनल इनिशियल है जिसको टर्मिनल सेल बोलते हैं या आपका बेसल सेल है जिसको सस्पेंसर इनिशियल बोलते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा ये नीचे वाला सेल है ना बड़ा सेल है इसको क्या बोलेंगे सस्पेंसर इनिशियल. Next question, next आता है, सबसे पहले देखो सीड की बाहर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है सीड की जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट टेगमेंट ये टेगमेंट किससे बनी है इनर इंटीग्यूमेंट से और टेस्टा किससे बना है आउटर इंटीग्यूमेंट से ओके अब कभी 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 हमारा ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर आपका सीड बन रहा है यहाँ का जो ये चलाजा वाला सेल है ना ये चलाजा वाला सेल है कभी कभी ये चलाजा बच जाता है तो ये सीड के ऊपर की लेयर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिसपर्म ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है ठीक है और आपका जो मोनोकॉट सीड है इसमें ये जो एल्यूरोन लेयर होती है ये एल्यूरोन लेयर क्या करती है ये आपके बचे हुए एंडोस्पर्म को आपके एम्ब्रियो को देती है ये एंडोस्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है तो एल्यूरोन लेयर का काम होता है एंडोस्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना अब सीड हमको दो टाइप के देखने को मिलती है एक एंडोस्पर्मिक और एक नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक को ही हम क्या बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक को हम क्या बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस क्या बोलते हैं इसको एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब बच्चे देखो दो टाइप के होते हैं स्कूल जाने वाले जो अपना पूरा टिफिन खरी खत्म करते हैं और जो अपना टिफिन बचा कर लाते हैं तो ये वो बच्चे हैं जो पूरा टिफिन खत्म करते हैं इनके पास एल्यूरोन लेयर नहीं होती है इनके पास एल्यूरोन लेयर नहीं होती है ठीक है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा एंडोस्पर्म खा लिया है यहाँ पर देखो आपको एल्यूरोन लेयर देखने को मिल रही है क्योंकि ये अपना खाना बचा के रखते हैं एंडोस्पर्म बचा के रखते हैं ताकि जैसे जब तक इनका जर्मिनेशन ना हो तब तक इनको फूड मिलता रहे तो इसका एग्जाम्पल सिर्फ एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है एरिबोडाप्सिस या कैस्टर सीड आप बोल सकते हो और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है पी एंड बीन्स ठीक है तो ये एग्ज़ाम्पल्स आपको कंपल्सरी याद रखने हैं ओके और आपका ये जो माइक्रोपाइल है हमारे ओव्यूल में ये देखो यहाँ सैक है ये जो माइक्रोपाइल का छोटा सा होल रहता है आपने देखा होगा राजमा बीन में इधर काला काला छोटा सा होल रहता है या चने में अपना जो काला चना होता है ना उधर इधर छोटा सा होल होता है तो ये होल किस लिए प्रेजेंट होता है वाटर और ऑक्सीजन अलाउ करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए सो so, माइक्रोपाइल का फंक्शन याद रखो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है ठीक है उसके अलावा हमारा फ्रूट कैसे बना है सीड ने ऑक्सिन हार्मोन बनाया ऑक्सिन के वजह से ओवरी किस में ट्रांसपोर्ट हो गई ट्रांसफर हो गई फ्रूट में ठीक है तो ओवरी के बाहर के जो लेयर्स है वो बन जाते हैं पेरी कार्प, पेरी कार्प के लेयर्स कौन से कौन से होते हैं सबसे बाहर का छिलका बोलेंगे एक्सोकार्प फिर अंदर का जो मेन फ्रूट का मटेरियल होता है उसको बोलेंगे मीसोकार्ब और फिर एंडोकार्प एन एं, सीड आता है ठीक है ओके ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट मतलब क्या होता है इसका एक ही डिफरेंस आपको याद रखना है ट्रू फ्रूट यानी कि जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है फॉल्स फ्रूट यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता पार्थेनोकार्पी होती है यानी हार्मोन की मदद से फ्रूट्स बनाए जाते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा उसमें सीड बनेगी जिसमें पार्थोनिकार्पी होगा उसमें सीड्स नहीं बनेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं ओके डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है समझो कि अनफेवरेबल कंडीशन है आपको जर्मिनेशन स्टॉप करना है तो आपका जो प्लांट है वो एप्सिसिक एसिड बनाता है स्ट्रेस हार्मोन जिसकी वजह से आपके सीड के बाहर डोरमेंट लेयर बन जाती है फिर जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यह एंटी एप्सिसिक एसिड बनाएगा यानी गिब्रलिन हॉर्मोन बनाएगा प्लांट जिससे आपका डोरमेंट लेयर ब्रेक हो जाएगा और आपका सीड का जर्मिनेशन होगा और न्यू प्लांट लेट बनेगा ठीक है ये देखो ये बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे प्लांट्स कब तक वायबल रहते हैं वो बताया गया है कुछ प्लांट दस साल तक वायबल रहते हैं मतलब पोलन ग्रेन्स कुछ दो साल तक कुछ आधे घंटे में ही खत्म हो जाते हैं जैसे राइस के जो पोलिंग रेंज होते हैं वो आधे घंटे में ही खत्म हो जाते हैं ओके करने लायक हो जाते नॉन वायबल हो जाते हैं और कुछ जो है वो सालों साल तक टिके हुए रहते हैं ठीक है तो सिंगल शेप्ड कॉटिलिडॉन को हम क्या बोलते हैं यस yes, हमारा जो ऐसे सिंगल शेप्ड कॉर्टे होता है इसको हम क्या बोलते हैं कुटेलम ओके नेक्स्ट अपोमिक्सिस मतलब क्या होता है ये एक टाइप का असेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें आपके गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं सीधी भाषा में बताती हूँ दो टाइप का अपोमिक्स होता है एक अपोगेमी और एक अपोसपोरी अपोगेमी में क्या होगा इधर देखो अपोगेमी में क्या होगा लुक हियर अपोगेमी में आपका सी हियर व्हेन अ गेमेटोफाइट ऑर्गन सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज अपोगेमी और अपोसपोरी में क्या होगा आपका डिप्लॉइड सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाएगा यानी कि अपोगेमी का एग्जाम्पल बताती हूँ समझो ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है इसने मियोसिस किया मियोसिस करके चार सेल बनाए नीचे के तीन सेल डीजनरेट हो गए एक मेचोर हुआ और इसने एम्ब्रियो सैक बनाया लेकिन अब ये एम्ब्रियो सैक बिना फर्टिलाइजेशन के बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट सीड बन गया तो इसको बोलेंगे अपोगेमी ओके और अपोसपोरी क्या होता है अपोसपोरी क्या होता है अपोसपोरी में आपका मियोसिस ही नहीं होता ये आपका डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है नो मियोसिस नोमियोसिस no ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाएगा मतलब डायरेक्ट सीड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी से आपको नया प्लांट मिलेगा मतलब नो मियोसिस नो मेल गैमेट्स डायरेक्ट आपका मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो बन गया ये सब हार्मोनल फंक्शंस के वजह से होता है सो तो इसको बोलते हैं अपोसपोरी इसको हम क्या बोलते हैं अपोसपोरी येस एवरीबडी सो अपोसपोरी यह अपने रिकरेंट अपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है ये हमको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है ट्रैक में ठीक है और इसमें आपके न्यूसुलर सेल्स जो है ये ज़्यादा करके एम्ब्रियो सैक बनाने में हेल्प करते हैं यानी न्यूसुलर सेल्स के साथ फ्यूजन होकर सैक बनाता है देन नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस आपके अपोगेमी का एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है अपोगेमी यानी कि इसमें मियोसिस होता है फी एम्ब्रियो सैक बनता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता ठीक है और इसका एग्जाम्पल है निकोटियाना आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं रेकरेंट अपोमिक्सिस यानी अपोसपोरी का एग्जाम्पल है टैक्से कम नॉन रेकरेंट अपोमिक्स यानी अपोगेमी का एग्जाम्पल है निकोटियाना और लास्ट में आता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, तो इसमें आपके नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ आपको कभी कभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियो देखने को मिलता है और इसमें एमसीक्यू क्या आता है कि ये एम्ब्रियोनी कौन से फ्रूट्स में देखा गया था सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि मैंगो ऑरेंज लेमन एक्सेट्रा तो इसमें आपको नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं और ये न्यूसुलर सेल्स के साथ होते हैं देखो ये आपका नॉर्मल एम्ब्रियो है जिसकी वजह से एक ही सीड मिला है एक ही प्लांट मिला है बट एम, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है आपके नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ न्यूसुलरस के सेल्स अंदर घुस जाते हैं या इंटीगुमेंट्स के सेल्स अंदर घुस जाते हैं और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाते हैं जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा प्लांटलेट्स देखने को मिलता है सो दिस इज योर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पार्थेनोकार्पी के टॉपिक से एमसीक्यू क्या आएगा कि किसने पार्थेनोकार्पी दिया था नोल ने 1902 में और ये नेचुरली किस में होता है ये एग्जाम्पल तो बहुत बार पूछा जाता है पाइनएप्पल बनाना पपया एटसेट्रा इनमें ये हमको नेचुरली देखने को मिलता है और ये पार्थेनोकार्पी किसके वजह से होता है इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन के वजह से होता है जिसकी वजह से आपका फ्रूट तो बन जाता है बट आपका फ्रूट सीडलेस होता है क्योंकि सीड बनाने के लिए सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा बट इधर तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है यस यस एवरीबडी बनाना और सकर में क्या सॉरी बनाना और फिग्स में क्या कॉमन है कि दोनों के दोनों अपोमिक्सिस करते हैं यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट हमको लुविन हुक ने दिया था सिट्रस स्पीशीज में 1719 में दो टाइप का पॉली एम्ब्रियोनी बताया एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी एडवेंटिव पोली एम्ब्रियनी में नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ आपको एक्स्ट्रा न्यूसेलर एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं यानी न्यूसेलर के सेल्स अंदर घुस के एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाते हैं और क्लीवेज एम्ब्रियोनी में क्या होता है आपका जो जायगोट है ये जायगोट डिवाइड करके दो सेल बनाता है एम्ब्रियोनल इनिशियल और सस्पेंसर इनिशियल तो बेसिकली इसको एक सिंगल एम्ब्रियो बनाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आपके ये दोनों सेल सेपरेट हो गए ये एक अलग जायगोड बन जाता है ये एक अलग जायगोट बन जाता है और अब ये वापस से प्रो एम्ब्रियो बनाता है यानी कि जिसको एक एम्ब्रियो बनना चाहिए था वो खुद डिवाइड होकर दो पार्ट्स बन जाता है और फिर ये हर एक पार्ट इंडिविजुअल एम्ब्रियो बनाता है तो इसको बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी यानी कि क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी पोली एम्ब्रियोनी कॉन्सेप्ट ये प्लांट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लांट्स देखने को मिलते हैं आप इधर से एमसीक्यू क्या आएगा पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में क्या डिफरेंस है पार्थेनोजेनेसिस में आपको डायरेक्ट एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है या तो एग सेल या तो मेल गैमेट से मतलब ये एक टाइप का अपोगेमी है ओके और पार्थेनोकार्पी में हॉर्मोन्स की मदद से हमको

यस एवरीबडी पोलन ग्रेन एग्जाइन ऑफ पोलन किससे बना है कम ऑन क्विकली सेशन इज ओवर जल्दी जल्दी इतने बड़े चैप्टर को हमने शॉर्ट में कम्पलीट किया है एग्जाइन इज मेड अप ऑफ सारा चलो आंसर दो पॉइंट वन आउट ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है फीमेल गेमेटोफाइट का न्यूसलस फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट है टेपटम मेल गेमेटोफाइट का पार्ट है ठीक है ये द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पॉम न्यूक्लियस इज अ फ्यूज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप्लॉड एंडोस्पॉम न्यूक्लियस कैसे बनता है न्यूक्लियस yes, कैसे बनता है एग सेल और मेल गैमेट से बनता है एग सेल और से एग अपटस बनता है ठीक है मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस से आपका ट्रिप्लॉयड एंडोस्पॉम न्यूक्लियस बनता है मेल गैमेट और एंटीपोडल सेल से कुछ नहीं बनता सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर समझो आपके पास जो एंडोस्पर्म है उसके पास ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम है एंडोस्पर्म का फ्लोइडी लेवल क्या होता है एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉयड होता है तो इनके पास यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यानी की वैल्यू हमको क्या मिली जाएगीफोर मदर सेल का क्रोमोजोम नंबर क्या होता है डिप्लॉड यानी टू इंटू एन एन की वैल्यू क्या है एट सो मेगा मदर सेल का क्रोमोजोम नंबर क्या होगा सिक्सटीन सिक्सटीन 16 आएगा 16. नीचे एरो आना चाहिए था ठीक है इज दिस क्लियर एवरीबडी सो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर सो आपको मैं टाइम टेबल एक बार फिर से बता देती हूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर क्या है अपना रीप्रोडक्शन इन प्लांट सक्सेसफुल कम्प्लीट हो चुका है तो आई होप कि आपके एट मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे सेवन एट मार्क्स ठीक है सेवन टू एट मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाएंगे कल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है ग्यारह बजे और फिर उसके बाद हम बायोलॉजी का थर्टीथ तो और फोटीन चैप्टर एक साथ लेने वाले हैं तो प्लीज़ कल का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आप रिवाइज करके आना इसकी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप का नाम ये है या आप नीचे लिंक दिए आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ हमारा बायोलॉजी का जो फर्स्ट हंड्रेड एमसीक्यू का मॉक टेस्ट है वो इस संडे को होने वाला है और रात में होगा नौ बजे दस बजे जब भी होगा टाइमिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा आप ये एक सिंगल वीडियो इसमें पूरे पंद्रह चैप्टर्स है समझो आपको लाइव वन शॉट लेक्चर अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता तो आप इस सिंगल वीडियो से पूरा बायोलॉजी रिवाइज़ कर सकते हो इस सिंगल वीडियो से आप पूरा फिजिक्स रिवाइज़ कर सकते हो अगर आपको एम सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे आप चैप्टर वाइज एम सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे पूरा हंड्रेड हंड्रेड एम करके कुछ पाँच सौ छः सौ एम है तो आप वो पाँच सौ छः सौ एम सी कर सकते हो इसके अलावा इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है हमारी जो वेबसाइट है क्या है हमारी वेबसाइट का नाम ज्ञान लैब ए पी डॉट कॉम तो यहाँ से आप सारे के सारे पी सी बी के शिफ्ट एंड पी सी एम के शिफ्ट के जो सी ई टी के पेपर्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो वेबसाइट चेक करके आप पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ, और सिर्फ, और सिर्फ और सिर्फ मुंबई में रहते हैं वो बच्चे यहाँ हमारा जो ज्ञान लैब ट्यूटोरियल है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस यहाँ पर अपने जूनियर फ्रेंड्स भाई बहन कज़न रिलेटिव्स का एडमिशन बुक करवा सकते हैं क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर इलेवंथ एडमिशन तो आपको एड्रेस भेजा जाएगा और आप आके विजिट कर सकते हो तो आपको फ़ीस वगैरह बताई जाएगी पूरे मुंबई में सबसे अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ आपको ज्ञान लैब ट्यूटोरियल में मिलेगा और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ चलो एनसीईआरटी वाले चैनल पे मैं डेली नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के पी वाई अपलोड कर रही हूँ तो आई होप कि आप वो सेशन देख रहे हो इसके अलावा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के स्टूडेंट्स के लिए भी डिटेल कंटेंट जल्दी आने वाला है सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो लाइफ बफरिंग के मेंबर नहीं बने हो तो बन जाओ वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कर देना जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाओ अभी जल्दी मिलेंगे येस एवरीबडी चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको को सब नोटिफिकेशन मिलते रहे और कमेंट करके सब लोग बता देना सबको ये सेशन कैसा लगा आई सी यू वेरी रेडी रहो आज शाम को 6 बजे आपके लिए फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज आने वाला है ठीक है आज शाम को 6 बजे फिजिक्स का सरप्राइज आने वाला है तो आज 6 बजे रेडी रहना ओके चलो बाय इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी मैं बाय बायरीबडी टेक केयर सी यू सुन बाय